भगवान ने कहा है जिस चीज की जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, परंतु सनातन वो है जो इन सब से परे है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया जिसको हम कहते हैं वेद। अब वो मैनुअल इतनी टेक्निकल हो कि आम जनता उसको समझ ही ना पाए तो फिर वो मैनुअल तो फेलियर हो गई। धर्म इज इक्वल टू बिल्कुल समानार्थक कर्तव्य। आज पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा। आर्मी में क्यों जाता है मरने के लिए? तो उसका मतलब कर्तव्य भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। व्हाई? कृष्ण को परमात्मा मानने वालों के संप्रदाय की एक सूची तैयार कर लो। एक गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया कम पड़ गया तो इस्कॉन बन गया, फिर इस्कॉन कम पड़ गया तो प्रभु जी ने अपना गीव गीता बना दिया। आर्य समाज क्यों कहते हैं? समाज क्या है? समाज क्या है? संगठन है। जैसे आरएसएस क्यों कहते हैं? हमारा भी क्या है? इंस्टीट्यूट है। सबने एक स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार जो है वो भगवद गीता में। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कृष्ण सनातन है। बिल्कुल। कैसे? उन्होंने आपने अपनी व्याख्या में कहा था जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, सुनिए फिर क्या? तो चार भुजा रूप में आए थे, छोटे बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अरे नहीं प्रभु जी, मतलब वो छोटे नहीं, देवकी के सामने कैसे रूप में आए थे? इतने रूप में आए थे? हाँ, बड़े रूप में। और क्या, फिर छोटे हुए जब? तो आपने दूसरी पार्ट तो पढ़ी नहीं। ये तो भाई मतलब एक ऐसी चर्चा आप कर रहे हैं जो अवैज्ञानिक है। मेरा कहना स्पष्ट है, गणित ज्योति ठीक है, फलित ज्योतिष ज्योतिष है ही नहीं, केवल गणित ज्योतिष ही ज्योतिष है। मेरा तो इतना कहना है कि किसी भी चीज़ पर जो हम कमेंट करते हैं तो आई थिंक पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको फिर अप्लाई करना चाहिए, और फिर अगर उसमें हमें सही नहीं मिला फिर हमें उसको रिजेक्ट करना। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत, आप सभी का स्वागत करती हूँ धर्मा लाइव पर, एबीपी लाइव पर। आजकल बहुत सारे लोग, चाहे नुक्कड़ में कोई चाय की दुकान हो या फिर कोई MNC, हर जगह एक टॉपिक चलता है सनातन। हाल ही में बहुत विवाद भी हुआ सनातन के बारे में। कोई बहुत ही ज्यादा लोग पॉजिटिव कम बोलते हैं, नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोगों को ऐसा कह सकते हैं कि एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि नॉलेज कम है, भ्रम का ज्यादा लोगों में। नॉलेज कम होने की वजह से कुछ भी बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो आपके ये जितने भी भ्रम हैं उनको दूर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ। सबसे पहले आर्य समाज के प्रतिनिधि जो है जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ गिव के संस्थापक और चेयरपर्सन मौजूद है वृंदावन चंद्र दास जी, आपका सर स्वागत है। हमारे साथ गौतम खट्टर जी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जी हाँ, ज्योतिष का यहाँ क्या रोल है आपको आगे पता चलेगा। एक ज्योतिषी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो हमारे साथ एक ज्योतिष भी मौजूद हैं, उनका नाम है द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र जी, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत हम उसी टॉपिक से करेंगे जिसको लेकर हाल ही में बहुत विवाद हुए। जैसे कि लोग कहते हैं ना सनातन, सनातन का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो हम एक एक करके इनसे जानेंगे, क्योंकि ये जानकारी जो अब आपको मिलेगी 16 आने सच होगी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सनातन क्या है। नेहा जी, धन्यवाद इस चर्चा के लिए। जो सनातन शब्द जिसके ऊपर इस समय लगातार चर्चा चल रही है, सनातन अपने आप में एक विलक्षण शब्द है। तीन शब्दों से हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। एक पुरातन, समझ में आ गया पुराना है, नूतन पता लग गया कि नया है, अब सनातन जो हमेशा है, आदि नहीं है अंत भी नहीं है। सनातन मतलब जो हमेशा है और हमेशा से उसकी सत्यता बरकरार है, उसकी सत्यता में, उसकी बातों में लेश मात्र भी अंतर नहीं आता जिसमें, उसी का नाम सनातन है। उदाहरण के लिए सूर्य सनातन है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वर्ष हो गए, उसकी रोशनी ऐसे नहीं पड़ेगी कि पुराना हो गया अब इसको बदलने की ज़रूरत है। हमेशा से वैसी ही निकलेगी सुबह, हर रोज़ की सुबह वैसी ही ताजगी होगी, वैसी ही उपयोगिता होगी, उसकी उपयोगिता में जिसकी कमी कभी भी ना आए, जैसा था वैसा हमेशा रहे और उसका आदि नहीं हो जिसका, उसी का नाम सनातन है। वैसे ही जिसको हम हिंदू धर्म के रूप में, वैदिक धर्म के रूप में जिसका उपयोग करते हैं, वो सनातन शब्द वो उस धर्म का प्रतिपादन करता है जो हमेशा से है। कुछ लोग पूछते कब से? हमेशा से, जब से संसार है, सृष्टि है, तब से वो जो शब्द सनातन जुड़ा आ रहा है वही सनातन वैदिक धर्म है जिसको हम सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। इसलिए हमेशा से उसका आदि नहीं है, इसलिए सनातन की जो सही व्याख्या है तो ये है। बाकी हमारे योग्य वक्ता यहाँ पर उपस्थित है, अपनी बात को वो भी आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपके सामने रखा जो हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा, तो सनातन यानी कि हमेशा से है। तो सर ने तो ये बताया, अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जो है सनातन का अर्थ क्या है। सबको हमारा हरे कृष्णा, जितने वक्ता भी हैं यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं श्रोता हैं,
तो प्रभु जी ने जो बोला कि सनातन सनातन बिल्कुल सही कहा, मैं कोई गलत बात नहीं कही है, उसमें ऐड कर सकता हूँ थोड़ा, जो साइंटिफिक माइंडेड हैं उनके लिए सनातन। अभी जो बात हुई पुराना, पुराना क्यों होता है, समय पुराना करता है। नूतन क्यों कहते हैं, अभी है अर्थात समय। तो जिस चीज़ पे, जिस वस्तु पे, जिस पे भी समय का प्रभाव ना हो, जिसके समय के प्रभाव से क्या होती है, शुरुआत होती है, जन्म होता है, और समय के प्रभाव से वो बढ़ता है, और समय के प्रभाव से वो अंत होता है, खत्म होता है। परंतु सनातन जो है उसके ऊपर ये समय का प्रभाव नहीं है, अर्थात ना तो जन्म होता है ना बढ़ता है, और इसी कारण क्योंकि जन्म नहीं हुआ इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती। भगवद गीता के अनुसार में भगवान ने कहा है, जिस चीज़ की जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी, परंतु सनातन वो है जो इन सबसे परे है। परंतु मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने सनातन शब्द बोला है, परंतु जो चर्चा चल रही है वो सनातन धर्म की चर्चा चल रही है, उसमें एक शब्द मिसिंग है, वो आपने जानबूझ के मिस किया है नेहा जी, या सिर्फ सनातन शब्द को उठाया है। हम पहले वर्ड की मीनिंग अगर लोगों को पता चल जाएगी तो शायद वो समझ जाए, और ये जो इतना कह रहे हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे लोग, वो शायद होंगे नहीं, तो मतलब जानना बेहद जरूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सनातन शब्द जैसे बताया, इसमें सिर्फ मैंने ये ऐड किया है कि समझने के लिए कि इस पर समय का प्रभाव नहीं होता, अर्थात इसलिए इसका कोई जन्म नहीं है, इसकी कोई मृत्यु नहीं। अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई सनातन कब शुरू हुआ, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में, जो ये प्रश्न है यही गलत है। तो ये चीज़ एकदम सनातन के बारे में इतना मैं ऐड करना चाहूँगा, इतना ही बोलना चाहूँगा। तो सनातन का मतलब सर ने बताया कि जिस पर समय का प्रभाव ना हो। अब उनसे जानेंगे जिनकी बेबाक राय ना आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, सनातन धर्म की बात हो और इनकी राय ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौतम खट्टर जी, सनातन आपके हिसाब से क्या है? देखिए, गुरु जी ने और आदरणीय विनय आर्य जी ने तो बता ही दिया कि सनातन और सनातन धर्म की जो व्याख्या है वो क्या है, लेकिन अब प्रश्न बहुत से लोग ये उठाएंगे कि मान लिया कि तुम्हारा सनातन धर्म सनातन है, पुरातन है, नूतन है, पर क्या हमारा इस्लाम सनातन नहीं है, क्या हमारी ईसाइयत सनातन नहीं है, क्या यहूदी जैन बौद्ध पारसी सनातन नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। जब हम इस्लाम का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ, आज से 1400 साल पहले हुआ। ईसाइयत का प्रादुर्भाव कब हुआ, आज से 2023 वर्ष पूर्व हुआ। और यहूदी जैन बौद्ध पारसी, इन लोगों का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो नॉट मोर देन 5000 ईयर्स, 5000 साल पूर्व आज से कोई भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय इस दुनिया में नहीं था। तो जो सनातन की बात कर रहे हैं, जब से ये सृष्टि है तब से ये सनातन धर्म है, तब से वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म सनातन है, क्यों है, क्या है तुम्हारे पास प्रमाण? तो हम कहते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ हमारे वैदिक संस्कृति का सबसे श्रेष्ठतमम कर्म है। तो जब से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने प्रथम दिन यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो बोला आज एक दिन हो गया, दूसरे दिन किया तो बोला दो दिन हो गया, एक वर्ष हो गया तो बोला एक संवत्सर हो गया, दो संवत्सर हो गए, ऐसे करते करते आज भी जब सनातन वैदिक धर्म के किसी व्यक्ति के घर में या तो किसी का जन्म होता है अथवा किसी की मृत्यु होती है, यानी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, तो यज्ञ किया जाएगा। और जब यज्ञ किया जाएगा तो एक पुरोहित आएंगे, एक ब्राह्मण आएंगे, एक पंडित जी आएंगे और यजमान को कहेंगे हाथ में जल ले लीजिए, और जल लेकर के वो संकल्प पाठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एको वृंदा षण्णवती कोटयो अष्टौ लक्षाणी त्रिपंचाश सहस्राणी चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायणे अमुक तिथि अमुक ऋतो अमुक पक्षे अमुक मासे अमुक दिन अमुक स्थाने उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे स्वगृहे देव यज्ञ क्रियते जम्मू दीपे आर्यवर्ते, ये सब बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये एक पूरी गणना है। ये गणना क्या है, एको वृंदा एक अरब षण्णवती कोटयो 96 करोड़ 98 लक्षाणी 8 लाख 53 सहस्राणी 53000 चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे, 124वां वर्ष चल रहा है। और ये वही गणना है जो सृष्टि के आदि में प्रथम दिन हुई थी, आज वो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53000 124वां वर्ष हो गया। तो ये गणना क्या है, ये गणना है सृष्टि के आदि की नहीं, ये जब से सनातन है। अच्छा, अब वैज्ञानिकों से पूछो कि ये सृष्टि का प्रादुर्भाव कब से है, ये सृष्टि कब से बनी, तो सारे वैज्ञानिक मुक्त कंठ से कहते हैं इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो गए।
तो 1,96,00,000 कितने हो गए? लगभग 2,00,00,000 हो गए। मैं आपको बीच में एक मिनट के लिए रुकना चाहूंगी। अगर आप इसको कोट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे ना, तो सोचेंगे कि कहां मिलेगा ये, पढ़ने के लिए कहीं तो लिखा होना चाहिए। कोई भी पंडित जी जब आपके घर में आएगा तो वो बोलेगा संकल्प पाठ करो। दिक्कत ये है कि ना तो पंडित जी ने आपको कभी उस मंत्र का अर्थ बताया, संकल्प के बिना कोई अनुष्ठान नहीं होता, ना तो पंडित जी ने आपको ये अर्थ बताया, ना आपने उनसे पूछा। चलो ये छोड़ो, पंडित जी आए बोले ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नासुहा स्वाहा, आपने इसका भी अर्थ कहाँ पूछा? पूरे अनुष्ठान में कोई भी मंत्र होता है आप कहाँ अर्थ पूछते हैं? तो विद्यमान है, परंतु हम उसकी गहराई में जाते नहीं हैं। इसलिए ये इस्लाम बाद में बना, ये जैनिज्म बाद में बना, बुद्ध बाद में बने, ये मोहम्मद साहब बाद में आए। हमारा जो सनातन धर्म है ये प्राचीन है, जब से सृष्टि बनी तब से है। यूजर गाइड जिसको हम बोलते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये आईफोन 15 आज 2023 में लॉन्च हुआ, तो कंपनी एप्पल की इसकी यूजर गाइड कब देगी? क्या 2026-27 में देगी? नहीं, जब प्रोडक्ट लाएगी तभी यूजर गाइड देगी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये प्रोडक्ट सृष्टि नामक प्रोडक्ट दिया तो उसके साथ ही यूजर गाइड दिया, जिसको हम कहते हैं वेद, जिसमें क्या करना क्या ना करना, विधि और निषेध की पूरी व्याख्या है। हमें बस उसको पढ़ करके उसकी गूढ़ रहस्य को जानने की आवश्यकता है। तो आपने गौतम जी की भी राय जानी, इन्होंने बताया। एक चीज अच्छी जो थी, जो आजकल के लिए सभी को मैं बोलूंगी, जब आपसे नेक्स्ट टाइम आपके घर कोई पंडित जी आए और कोई श्लोक बोले, उनका अर्थ जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम नक्षत्र जी से भी जान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सनातन क्या है, सनातन किसको कहते हैं? मेरे को लगता है कि जो सनातन और सनातन धर्म पर जो कन्फ्यूजन है, वो बेसिक उसका जो सोर्स है वो है ट्रांसलेशन का। क्योंकि अंग्रेजी में हम धर्म को रिलीजन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। बिकॉज जब मैंने दर्शन पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि धर्म और रिलीजन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रिलीजन एक सेट ऑफ रूल्स को मानने वाले व्यक्ति हैं, आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए उसको आप फॉलो करते हैं, तो उसके जो फॉलोवर्स उनको हम रिलीजियस पीपल और रिलीजन बोल सकते हैं। धर्म जो मैंने उसमें पढ़ा वो समझ में आया कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में बहुत फेमस भी है कि आग का धर्म है जलना और जलाना, तो जो जलाती है और जलती है वो आग है, प्रकृति बेसिकली। तो सनातन सर का, सनातन जो शब्द है उसका सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि जो हमेशा है। तो मेरा ये मानना है कि जो धर्म है वो बेसिक प्रकृति है, लॉज ऑफ नेचर अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बोलूं, और सनातन मेरे लिए हो गया जो हमेशा से है, यानी इटर्नल। फॉर एग्जांपल, तो सनातन धर्म मेरे हिसाब से है इटर्नल लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो जो लॉज ऑफ यूनिवर्स है वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है, तो इसीलिए आई थिंक इसको सनातन धर्म का, आई थिंक ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा, एक इजी भाषा में समझने आने वाला एक मीनिंग है। इसमें नेहा जी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप धर्म का मतलब समझ जाएँ सही तरह और सनातन धर्म का मतलब समझ जाएँ, तो प्रभु जी ने जैसे कहा, एक्चुअली जितने भी वो, उनको मैं धर्म नहीं कहता, कि आप भी धर्म की परिभाषा में अभी आपको दूंगा तो उसमें आपको पता लगेगा, ये सब सनातन धर्म का पार्ट है। चाहे जिसको इस्लाम कहते हो, क्रिश्चियनिटी कहते हो, ये सब किसका पार्ट है? सनातन धर्म का। अगर आप इसको देखेंगे धर्म का मतलब, अगर धर्म के अर्थ को समझेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म से कोई भी जीव भार नहीं हो सकता, सब पे सनातन धर्म लागू है। अब उसको माने या ना माने ये उस व्यक्ति विशेष की अपनी वो है। जैसे भगवद्गीता के अंदर, अंत के अंदर भगवान कह देते हैं सारी भगवद्गीता बोलने के बाद, यत यत इच्छेसी तथा कुरु, कि तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सनातन तो हमने सबने समझ लिया, धर्म शब्द का क्या अर्थ है, धर्म का मतलब क्या है, और सरल भाषा में मतलब क्या है जो कि आम जनता समझ सके। क्योंकि हम जब बड़ा गूढ़ सी बातें करने लगते हैं तो आम जनता नहीं समझ पाती। तो अगर आम जनता, अगर कोई, जैसे प्रभु जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि मैं मोबाइल जब निकला तो उसकी मैनुअल हुई, अब वो मैनुअल इतनी टेक्निकल हो कि आम जनता उसको समझ ही ना पाए, तो फिर वो मैनुअल तो फेलियर हो गई। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि धर्म का मतलब का अर्थ क्या है, ये जानना बहुत ही अनिवार्य है। तब इसको सनातन के साथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि तो सारे के सारे सनातन धर्म ही पालन कर रहे हैं, अलग अलग लेवल, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। दो लाइन में अगर सनातन धर्म का मतलब इनको जानना हो तो क्या है सनातन धर्म? देखिए, अब सनातन शब्द का तो प्रभु जी ने ही बोला। हाँ, शब्द तो समझ गए, अब दोनों को इकट्ठा कर। हाँ, अब धर्म का पहले लेना कि धर्म का अर्थ क्या है सरल भाषा के अंदर। जैसे प्रभु जी ने पॉइंट उठाया, जो कि हम भी उसी बात को कहते हैं, जैसे हम ज्यादातर पूछते हैं लोगों से चीनी का धर्म क्या है, मुझे ज्यादातर जवाब मिलता है मिठास। क्या मिठास?
आग का धर्म क्या है? जलना, गर्मी और उजाला। चिंगारी भी होती है, चाहे छोटी उजाला देती है, उजाला देती है। अब ये उसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उस वस्तु की वो पहचान है। तो धर्म का अर्थ बड़ा सिंपल हो गया। अब प्रश्न उठता है, आपने चीनी के बारे बात कर ली, आपने तो अग्नि के बारे बात कर ली, ना तो हम चीनी हैं ना ही हम अग्नि हैं, हम तो मनुष्य हैं भाई, मनुष्यों के साथ क्या बात करी जाए कि मनुष्यों का धर्म क्या है। तो अगर देखते हैं अब क्या है, कॉमन देखना है कि हर मनुष्य करेगा वो, जैसे चीनी अमेरिकन हो या भारतीय हो या चाइनीज हो या पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी मिठास अलग है? नहीं है। भारतीय मिठास अलग है? नहीं है। मिठास तो मिठास है। इसी तरीके से क्या चीज है जो सब जीव सब करते हैं, वो उसको कहा गया सेवा। क्या? हर व्यक्ति, हर मनुष्य सेवा कर रहा है। बिजनेसमैन अपने कस्टमर की सेवा कर रहा है, सर्विसमैन अपने बॉस की सेवा कर रहा है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा के सेवा कर रहा है, पॉलिटिशियन तो बोलता ही है सेवा का मौका दे दो। कोई व्यक्ति नहीं है पूरे विश्व में, करें ना करें वो बात अलग है, वो आज का डिस्कशन नहीं है, परंतु आप देखेंगे सब सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करे बगैर इस जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता, इस शरीर का निर्वाह, तो इसलिए सब सेवा कर रहे हैं। तो कॉमन चीज़ क्या आई प्रभु जी? अब अगर आप रिलीजन में जाएंगे, जैसे प्रभु जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। रिलीजन का आप उठाइए डिक्शनरी, वेबस्टर उठाइए, ऑक्सफोर्ड उठाइए, उसमें लिखा गया फेथ, श्रद्धा। नाउ श्रद्धा तो बदली जा सकती है, श्रद्धा तो बदली जा सकती है, परंतु सेवा धर्म बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। मजे की बात यह है कि आप किसी योनि में भी हों, हर योनि भी सेवा कर रही है, हर योनि भी सेवा कर रही है। परंतु अब प्रॉब्लम ये आती है कि सनातन शब्द जब सामने लगा देते हैं तो सेवा, पहली चीज़ तो इस सेवा शब्द को समझिए, सेवा में दो का होना बड़ा अनिवार्य है, एक जो सेवा कर रहा है सेवक का और एक स्वामी का, इन दोनों से जो जोड़ती है वो है सेवा। अब प्रश्न उठता है कि भाई जब सनातन सेवा की बात कर रहे हैं तो सनातन सेवा तो सनातन सेवक होना चाहिए और सनातन स्वामी होना चाहिए, अगर ये मिसिंग है तो उसका मतलब वो सनातन सेवा कैसे हो सकती है? अब स्वामी परमेश्वर भगवान ये तो हो गए स्वामी, मतलब जो थे हैं और रहेंगे, जब ही सत्य, सत शब्द का मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व है। सनातन शब्द क्या अस्तित्व करता है? अरे सनातन वो होगा जिसका अस्तित्व होगा, अगर अस्तित्व ही नहीं है तो सनातन कैसे होगा? कई बार लोग बोल देते हैं सनातन है, मैंने कहा अस्तित्व है, अगर अस्तित्व नहीं है तो सनातन कैसे है? हाउ कैन यू बी इटर्नल विदाउट हैविंग अस यू आर सम इंडिविजुअलिटी, कुछ आपका वस्तु तो है, ये पीछे आई। अब दूसरी चीज, आप हमारे अध्यात्म शुरू कहाँ से होता है? देखिए जिसको भी हम कई बार अध्यात्म समझते हैं वो अध्यात्म नहीं, कर्मकांड है। वो एक किस्म से धर्म को भी दो परिभाषा दी गई हैं, एक सनातन धर्म एक नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म का अर्थ होता है निमित्त मात्र के कारण धर्म, वो हमने जिस इस आत्मा ने जिस जगह शरीर लिया उसके कारण, उन परिस्थितियों के कारण उसका एक धर्म बनता है। जैसे आप जो हैं, आप आत्मा हैं, आपने स्त्री का शरीर लिया है, क्या लिया आपने? स्त्री का शरीर लिया है, तो आपकी कुछ दायरे में बंध गई। ऐसी हम पुरुष का शरीर लिया है हमने आत्मा ने, तो हमारे कुछ और दायरे बन गए। तो ये निमित्त मात्र कारण, प्रभु जी ने एक परिवार में जन्म लिया, इनके माता पिता हैं, ठीक है जी, इनके आपस में परिस्थितियां हैं, उसके अनुकरण बहुत रिश्ते बने, परंतु किस लिए बने? क्योंकि इन्होंने उसने वो निमित्त क्या था, पहली बात निमित्त हो गए, भारतवर्ष में जन्म हुआ तो भारतीय हो गए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। तो इस ये होता है शरीर से कनेक्टेड, और सनातन धर्म होता है आत्मा से कनेक्टेड। आत्मा, आत्मा, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि ये जो सभी ने आंसर दिया, आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन है, अगर जो भी आंसर आपको मिला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ या कुछ भी आप चाहे अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है प्रभु जी से। प्रभु जी कर्म का जो फल है हमें भोगना पड़ता है, तो अगर कर्म ही सबसे ऊपर है तो हमें
क्या धर्म करना चाहिए, हमें धर्म क्यों नहीं करना चाहिए? अगर कर्मी सबसे ऊपर है तो हमें क्या धर्म करने की जरूरत है? एक मिनट दीजिए, एक बार मैं ये आपको सनातन धर्म का जो दोनों को जोड़ के जो चीज़ है इसको बता दूंगा तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक मिनट के अंदर। देखिए क्या होता है हमारे साथ, एक बहुत बड़ी नेहा जी जो प्रॉब्लम हुई है बताऊँ क्या है, हमारे जो अध्यात्म को जो समझाया गया है ना वो कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से, जब हम किसी ज्ञान को विद्या के तौर पे लेते हैं ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन, जब नॉलेज को एजुकेशन के तौर पे लें तब बेसिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, प्रभु जी एस्ट्रोलॉजर हैं, अभी ये पहले इन्होंने क्या स्टडी किया होगा, इन्होंने पहले स्टडी किया होगा ग्रह कितने हैं, ठीक है जी, फिर इन्होंने स्टडी किया होगा कि 12 घर होते हैं, फिर इन्होंने स्टडी किया होगा कि कहाँ कैसे बैठते हैं, क्या होता है, सूर्य लग्न में होता है सुबह का बर्थ है, साथ में बैठा हुआ तो शाम का बर्थ है, ये सब आपने शुरू में स्टेप बाय, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रभु जी 30 साल पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सारी पद्धतियाँ सीखी मेरे को, मैं किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करता प्रभु जी, ना तो एक्सेप्ट करता हूँ ना रिजेक्ट करता हूँ, न्यूट्रल रह के सीखने की कोशिश करता हूँ। तो अब स्टेप बाय सीखा, जब भी तो आज प्रिडिक्ट कर पा रहे हो आप, अगर आपने इधर उधर से सीखा होता तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से आज पहली चीज़ जब आत्मा की चर्चा शुरू होती है तब आध्यात्म शुरू होता है, जब आत्मा की चर्चा शुरू होती है तब आत्मा सनातन है, तो अर्थात परम पिता सनातन है। अब मेरी एक इस्लाम के बाद जो थे उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा सेवा का मतलब समझे, आज्ञा का पालन, कस्टमर ने आज्ञा दी और माल आपने पूरी करी, बिजनेसमैन बोलोगे बॉस, बॉस बॉस नहीं है, दास ही हो, तो बेसिकली ऑर्डर पूरा करना। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम अल्लाह की बात मानते हो क्या, बोलते हाँ मानते हो, सेवा करते हो उनके अनुसार, बोलते हाँ करते हैं, मैंने तो तुम सनातन धर्म में हो, क्योंकि धर्म का मतलब है सेवा और सनातन का मतलब है परम। अब जो परम की सेवा ना करे वो काफिर है। अब वो परम जब हमारा ही लिमिटेड शरीर के अंदर, आज प्रभु जी के इतने नाम होंगे, आपके मित्र आपको किसी नाम से बुलाते होंगे, माता पिता ने पेट नेम रखा होगा, और कोई इनको अगर बॉस होंगे कहीं तो इनको सर कहते होंगे, तो अलग अलग नाम हमारे लिमिटेड में ही हैं इतने, तो उस अनलिमिटेड के तो अनलिमिटेड नाम हो सकते हैं, उसमें अल्लाह होने में क्या प्रॉब्लम है बताइए आप मुझे। हाँ ये जरूर है, आज का विषय नहीं है, आपके भी एक मुख्य नाम होता है, एक गौन होता है, एक प्राइमरी नेम होता है और एक सेकेंडरी नेम होता है, ऐसी भगवान के भी प्राइमरी और सेकेंडरी नेम्स हैं, अगर आप जाएंगे तो इसमें और स्टडी है। परंतु ये बता रहा हूँ कि जब भी, तो मैंने कहा आप तो सनातन धर्म में जवाब नहीं दे पाए, मैंने कहा आप बताइए आप सनातन धर्म का मतलब तो ये हुआ, आप क्रिश्चियन भी किसकी बात मान रहा है, यहोवा की मान रहा है, सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेवा का मतलब जो बाइबल में लिखा है वो करता है, और सनातन का मतलब वो भी सनातन तुम भी सनातन, तो तुम तो सबके सभी सनातन धर्मी हो, आज अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हो। जैसे आपको समझ आया नहीं है, परंतु प्रभु जी को समझ आ जाएगा कि हमारे शास्त्रों में तीन गुणों की बात हुई है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की, तीनों गुणों की बात हुई है, और हमारे जो वैदिक ज्ञान है पूरा ये तीनों गुणों के लोगों के लिए है, कि तमोगुणी वाला कैसे रजो में आ जाए, रजो वाला कैसे सतो में आ जाए, इट इज़ एजुकेशन, पूरी सिस्टम है। तभी कई बार हम लोग कहते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे जीव हत्या कर रहे हैं, मैंने भैया तमोगुण वाले के लिए कहा गया है, काली के सामने बताया गया, वेदों में है, उनके मंत्र उच्चारण है सारा। सर जीव हत्या की बात की तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीव हत्या पे ही है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं बीच में छोटी सी बात को जोड़ना चाहूँगा, जब धर्म की बात आती है तो ऐसा क्लिष्ट सा सामने आ जाता है कि उनका वो है, उनका वो है, उनका वो है, उनका वो है, सही कह रहे हैं, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरा ठीक है या उनका ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही सरलतम इसका, आप क्योंकि नौजवान युवा साथी जो सुनेंगे इस चीज़ को तो वो भटक ना जाएं, भाई साहब ने आदरणीय आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक से कहा, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, धर्म इज इक्वल टू बिल्कुल समानार्थक कर्तव्य, जो जिसका कर्तव्य है वही उसका धर्म है। माता का कर्तव्य है अपने बच्चे का पालन पोषण करना, अब इसको दोबारा से दूसरा शब्द यूज़ कीजिए, माता का धर्म है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे के लिए साधन जुटाना, इसका मतलब पिता का धर्म है अपने बच्चे का साधन जुटाना। टीचर का कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, मतलब टीचर का धर्म है अपने, जहाँ धर्म उपयोग करेंगे वहाँ पर कर्तव्य ज्यों का त्यों उपयोग हो जाएगा। इसलिए इसमें कुछ भी जो जिसका और अब देखिए एक सनातन से कैसे जुड़ेगा, ये सनातन से ऐसे जुड़ेगा, दुनिया में किसी भी मत पंथ जाति का व्यक्ति हो
उसकी माता का कर्तव्य यही होगा, जो हिंदू का है, जो मुस्लिम का है, जो इसलिए ये कॉमन है, इसलिए ये सनातन है, शुरू से यही था, आज भी यही है, आगे भी यही रहेगा, अध्यापक का यही रहेगा, राजा का यही रहेगा, चाहे वो इज़राइल का राजा हो, चाहे वो पाकिस्तान का राजा हो, चाहे भारत का राजा हो, अपने देश की रोज सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है, इसलिए उसका वो धर्म है। इसलिए इसको और सरलता से समझ लें, जो हमारे नौजवान साथी इसको सुन रहे होंगे, धर्म वो ही है जो कर्तव्य है। पहचानूं कैसे कि मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ? इसके लिए इतना सुंदर पैमाना दे दिया, इतना सुंदर पैमाना दे दिया कि आपको किसी भी दुनिया के ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दुनिया के ग्रंथ को जानने की, किसी मंत्र को पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। क्या है? सरलता से, जो मैं किसी से अपने लिए अपेक्षित करता हूँ व्यवहार, बस वही मेरा धर्म है, बन जाता है। मैं अपेक्षित करता हूँ मुझे कोई बेईमानी ना करे, तो मेरा धर्म अपने आप स्पष्ट हो गया कि मैं किसी से बेईमानी ना करूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे थप्पड़ ना मारे व्यर्थ में, तो मेरा अपने आप धर्म हो गया कि मैं किसी को थप्पड़ ना मारूँ। कोई मुझसे झूठ ना बोले, इसका मतलब मेरा धर्म है कि मैं किसी से झूठ ना बोलूँ। कोई मेरी उंगली ना काटे, तो मेरा धर्म हो गया कि मैं किसी की उंगली ना काटूँ। ये हमारा पैमाना है कि मैं कैसे नापूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ। इसे दो शब्दों पर स्टिक हो जाइएगा, धर्म मतलब कर्तव्य, और पहचानना कैसे है, जो मेरे से, मैं किसी से भी मैं अपने लिए अपेक्षित करता हूँ। मैं आपके यहाँ पर आया, आपने मेरे से चाय पूछी, पानी पूछा, तो मेरा अपने आप में धर्म हो गया। जब आप मेरे यहाँ पर आए तो मेरा अपने आप धर्म डिफाइन हो गया, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे चाय पूछूं, पानी पूछूं, बैठने का स्थान दूं। यही धर्म है, यही कर्तव्य है, और वो कॉमन है, दुनिया में हर व्यक्ति का एक जैसा है, हमेशा से था, आज भी यही रहेगा और आगे भी ऐसा ही कर्तव्य और धर्म रहेगा। इसलिए धर्म में बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, धर्म के शब्द को लेकर के कॉमन। एक चीज़ मैं इसमें एंटर कराऊंगा, जो प्रभु जी कह रहे हैं गलत नहीं है, वो शरीर से कनेक्टेड है, हम बात कर रहे हैं आत्मा की। बस एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारा बेसिकली कोई इसमें चक्कर क्या है? मैंने आपकी बात को गलत नहीं कहा बिल्कुल भी, मैंने उसके एडम करके और थोड़ा सा सरल कर दिया, धर्म इज इक्वल टू कर्तव्य, बस खत्म। खुद के साथ ना चाहो और के साथ मत, बस ये उसका पैमाना हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा। आर्मी में क्यों जाता है मरने के लिए बताए? तो उसका मतलब कर्तव्य भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। व्हाई? एक बेसिकली जब उच्च 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 चीज आ जाती है तो कर्तव्य बदल, परंतु सेवा नहीं बदलती। वहां वो ऑफिसर के रूप में, संदर्भ और प्रसंग बदल गया। नहीं नहीं, वहां वो ऑफिसर के रूप में उसकी जिम्मेदारी है, यहाँ बेटे के रूप में उसकी वो जिम्मेदारी है, यहाँ बाप के रूप में अलग बदल जाएगी। तो जो जिसका जिस समय कर्तव्य है वही उसका उस समय के लिए धर्म है। अगर आप आत्मा को लें, अगर आप आत्मा के बेसिस पे जाएं, तो क्या होता है, जो उन्होंने प्रश्न उठाया कर्मों का, जो प्रश्न कर्मों का उठाया प्रभु जी, कि कर्मों का आत्मा की उत्थान कैसे हो, आत्मा का उत्थान कैसे हो? आज चक्कर क्या है, सब जगह हम शरीर के उत्थान की बात कर रहे हैं, हम मानसिकता की बात कर रहे हैं। मानसिकता गड़बड़ हो क्यों रही है? क्योंकि आज हमारा जो हम तो सब सनातनी बैठे हैं, सब वेदों को फॉलो करते हैं, हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है कि जब तक आप बद अवस्था में हैं तब तक आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, आपका पुनर्जन्म होगा ही होगा। मुक्ति के बाद ये पुनर्जन्म का, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म होता है। आज अगर इस बात को भी मान जाएं तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। जैसे क्योंकि आज अमेरिका के अंदर, क्योंकि हम लोग, मैं अमेरिका क्यों कोट कर रहा हूँ, जबकि हमें, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं है, जबकि हमारे शास्त्र सही थे, सही हैं और सही रहेंगे, क्योंकि ये सनातन है, इनमें कोई टाइम पीरियड का फर्क नहीं है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि आज एक व्यक्ति हुआ है डॉक्टर इयन स्टीवनसन, जिसको 1960 के अंदर जीरोक्स मशीन का जिसने इन्वेंशन करी, उसने $1 million दिया था ये सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म गलत है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने 1960 से लेकर आज तक, तो आई 5-6 साल पहले उनकी डेथ हुई है, उन्होंने MD थे वो मेडिसिन के, उनको अपना चेंज करके साइकाट्री डिपार्टमेंट में जाना पड़ा रिसर्च करने के लिए। क्या करने के लिए? ये रिसर्च करने के लिए कि पुनर्जन्म है कि नहीं है, सत्य क्या है। उन्होंने ऑलमोस्ट 35 ईयर्स की रिसर्च करने के बाद उन्होंने पेपर्स लिखे जिसमें क्या आया सत्य, कि पुनर्जन्म एक सत्य है। आज इसको क्यों जाने? आज इससे क्या होगा कि जो ये दुश्मनी की भावना है, आज ये जो दुश्मनी की भावना है, जो हमारे जीवन के अंदर टेंशन्स की भावना है, ये खत्म हो जाएगी। दुश्मनी कैसे खत्म हो जाएगी? लखनऊ के पास काबी का केस है, 7-8 साल पहले का। उसमें क्या हुआ, एक लड़का 4 साल का अपने माता पिता, हिंदू घर में, वैसे तो हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म, हिंदू का धर्म होता है, हिंदू का धर्म, हम लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं,
उसका क्या हुआ, 4 साल का जब हुआ, हिंदू होने परिवार बोलता है ईद कब है, क्या पूछता बच्चा ईद कब है, फिर पूछता मुझे नमाज पढ़ना है, मेरे को चटाई दो। तब तो जो माता पिता थे उन्होंने कहा क्या फालतू बातें कर रहा है, क्या बकवास करता है। परंतु जब ये रेगुलर ऐसा करने लगा, रोज करने लगा और झगड़ा करने लगा माता पिता से, तो उसने उन्हें बोला तू है कौन, तो फालतू क्या बात कर रहा है। तो उसने बताया कि 125 किलोमीटर दूर मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं वहाँ था, मैं ये बेचता था सब्जियाँ, उसके लिए मैं अपनी घोड़े गाड़ी के अंदर लेके आ रहा था सब्जी, पीछे से ट्रक ने मारा मुझे और मैं मर गया। उसने सारा डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया। तो ये हिंदू थे तो थोड़ा बहुत आज वैसे तो भूल ही गए हैं, उन्होंने इसको ले जाके वहाँ गए और वहाँ जाके इसने सबको पहचान लिया। अब आप बताइए मुझे, ऐसे भी पहचान लिया, एक लड़के एक आदमी को बोला कि तूने 1000 रुपये लिए थे मुझसे वापस कर दिए क्या, उसने कहा नहीं नहीं मैंने लिए। उसने कहा उस दिन दिए थे वहाँ याद कर, तो उसने फिर उसका मुंह पीला पड़ गया, उसने कहा हाँ हाँ पता है। तब आप बताइए आप मुझे कि कौन किससे लड़ेगा, हैं जी कौन किससे लड़ेगा, हमारे को प्रभु जी जो कह रहे हैं बिल्कुल कर्तव्य तो पार्ट है, उसको तो करना ही पड़ेगा, परंतु किसके लिए करना पड़ेगा, कि आत्मा का उत्थान हो सके, कि आत्मा का उत्थान हो सके। माता पिता गुरु है, भगवान नहीं है, माता पिता गुरु हैं, और गुरु का काम भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों देना है, कर्तव्य ही बताना है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, नहीं करेगा पालन तो क्या होगा, अगर तू अपने कर्तव्य नहीं करेगा तो क्या होगा। परंतु कई बार क्या होता है, हायर लेवल का कार्य करने के लिए हमें कई लोअर लेवल के कर्तव्य, अब माता पिता की सेवा लोअर लेवल तो नहीं कह सकते, परंतु कहना पड़ेगा क्योंकि वो आर्मी में जाके मर रहा है और आज उसने पूरा जीवन दे दिया किसके प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, उसने संन्यास ले लिया, तो उसका मतलब उसने माता पिता को छोड़ना तो पड़ा, सेवा को छोड़ना पड़ा। परंतु ये रियलाइज नहीं करते कि शास्त्रों में ये भी आया है कि जो ऐसा करता है, पुत्र का काम है कि अपने माता पिता को पोतक नाप नरक से बचाए, उनको सेव करे। तो बेसिक फैक्ट ये, आज ये सनातन धर्म का जो ये असूल है ये हायर लेवल का है। आज बाइबल में ही आया है, John 16:12 के अंदर, जो युवा अगर देखना चाहते हैं जाएं, बाइबल में लिखा है John 16:12, आई वॉन्ट टू गिव यू मोर बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें और देना चाहता हूं पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब जीसस क्या देना चाहते थे और क्या बताना चाहते थे जो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसमें जीसस नहीं जानते थे ऐसा मैं बोलूं तो गलत है, परंतु आप बताइए, आपने अगर MSc मैथमेटिक्स में कर रखी है और पहली क्लास का बच्चा आपसे सीखने आता है गणित, क्या सिखाओगे उसको प्रभु जी, BA, BSc, MSc नहीं, आप उसको क्या सिखाओगे, तो 1, 2, 3, 4 यही सिखाओगे, बेसिक सिखाओगे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे बार बार वेद की बात आ रही है, शास्त्रों की बात, आपने बाइबल का नाम लिया, वहां पे एक है, दूसरे धर्मों भी एक एक किताबें ऐसी हैं जिनको फॉलो करते लोग, हमारे यहाँ वेद भी है, कुरान भी है, उपनिषद भी है, गीता भी है, क्या प्रॉब्लम है। सुनो, प्रॉब्लम नहीं है जी, सबसे बड़ा समझिए, आज मुझे बताइए कि हमारे यहाँ बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से IIT को बड़ा क्यों माना जाता है और IIT से बड़ा MIT को क्यों माना जाता है, उनकी लाइब्रेरी देखिए, फर्क किसका है, नॉलेज को एक्सप्लेन करने का। हमारे यहाँ उनका एक किताब जो है उस टाइम वो लोग उतना ही समझ सकते थे, कुरान के अंदर भी उतना ही है, मैं बड़ा ओपनली बता रहा हूँ कि कुरान की सप्लीमेंट्री लिटरेचर है, उसके अंदर मोहम्मद जी ने बोला है कि मुझे 3 प्रकार के ज्ञान दिए गए थे, एक बोला गया था सबको दे दो, दूसरा कहा गया था पात्र देख के देना, और तीसरा कहा गया था कि जिनको सिर्फ आपके लिए, किसी और के है नहीं। अब आपने जो कहा इतना सारा, मैं भी मानता हूं कि इतनी सारी पुस्तकें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, आदि शंकराचार्य, मैं यहां बात कर रहा हूं जिनको कि बड़े बड़े संतों ने एक्सेप्ट किया, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निंबार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, सबने एक स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार जो है वो भगवद्गीता में है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सारे वेदों का सार भगवद्गीता में है, और वो बड़ा स्पष्ट मैं अपना व्यू रख सकता हूँ, जो आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जब चर्चा हो तो उसमें पूरी होनी चाहिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध चलते हुए जो सबसे बड़ा योद्धा था वो अर्जुन था, जिसके ऊपर निर्भरता थी कि ये हमारे धर्म के पक्ष को जिताएंगे, पांडवों के पक्ष को जिताएंगे, और इसीलिए श्री कृष्ण चाहते तो नहीं थे युद्ध, सोचा था कि रुक जाए, लेकिन नहीं रुका तो युद्ध हुआ।
भाई अगर अब एक समय तो आ ही जाता है ऐसा कि कभी फैसला होना जरूरी है धर्म और अधर्म के बीच में, लड़ाई के बीच में, कि भाई अब क्या हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में कमान संभाली। अर्जुन ने जब तीर लेके खड़े हुए तो सामने देखा मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे फूफा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये तो सब वही हैं, मैं इनके लड़ करके राज लेके करूँगा क्या। और अर्जुन को लगने लगा कि नहीं, मैं इनको मार के, इनसे लड़ के, इनको समाप्त करके जिस राज को प्राप्त करूंगा उससे क्या मुझे शांति मिलेगी। और उसके मन में जैसे ही ये भाव पैदा हुए उसने अपना गांडीव रखने की तैयारी कर ली। श्री कृष्ण मैं इनसे नहीं लड़ सकता, मैं इनको नहीं मार सकता। और जैसे ही उसके मन में भावना आई, श्री कृष्ण ने उस समय वेद के जिस विद्या की, जिस शिक्षा की उस समय अर्जुन को आवश्यकता थी, ये बताने की अर्जुन तो किसकी बात कर रहा है, ये शरीर है, आत्मा जो इनके अंदर है वो अमर है, इसलिए तू चिंता मत कर, ये इस समय धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है, इस समय इनको तू अपने रिश्तेदार के रूप में मत मान, इनके ना जाने कितने जन्म हो चुके, फिर होंगे, ये आत्माएं जाएंगी फिर आएंगी, इसलिए इनको तू धर्म की हानि के रूप में देख करके अपने क्षत्रित कर्तव्य का पालन कर। यजुर्वेद के एक मंत्र को लेकर के ये जो उपदेश उस समय अर्जुन को आवश्यकता थी, श्री कृष्ण ने जो कि वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उस समय उन्होंने और कोई उपदेश नहीं दिया। वेद में 20,500 मंत्रों के अंदर सैकड़ों हर प्रकार का उपदेश है, कोई चीज ऐसी वस्तु बची नहीं जो वेद में ना हो। और उस युद्ध की भूमि पर अर्जुन को उस समय जितनी आवश्यकता थी उतना उस समय वेद का ज्ञान, उस समय उतनी जरूरत थी, उसको जो दिया वो गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो महाभारत का भाग है। गीता अपने आप में अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, बाद में बनाया गया, गीता महाभारत का भाग है। महाभारत जब पूरा ग्रंथ लिखा गया उसी के अंदर अर्जुन को श्री कृष्ण ने उस समय जो उपदेश दिया था उसका संग्रह करके बाद के महापुरुष ने उसके और एलेबरेट किया और सुंदरता से और बेहतरी ढंग से बना बना करके प्रस्तुत किया। आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि अनेक गीताएं प्रचलित हैं, एक नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 अलग अलग तरह की हैं, वो हमारा दुर्भाग्य, हमें आप जैसे महापुरुषों के सहयोग से उसको एक करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन गीता वेदों का सार है ये कहने में मुझे थोड़ी सी आपत्ति होगी। हाँ, गीता वेद के उपदेश का वो अंश है जो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आपके हिसाब से वेद, पुराण, उपनिषद क्या? देखिए, वेद मूल है, वेद उस ईश्वर का वो ज्ञान है जिसके बारे में आनंद खट्टर जी ने बताया था कि जब सृष्टि बनी तब परमात्मा ने कृपा करके मनुष्यों को वो ज्ञान भी दिया। जैसे उन्होंने बोला कि मोबाइल आया तो बुकलेट भी साथ है, भाई ऐसे यूज करना, इसको नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खराबी आएगी तो तुम जानना। वैसे ही ईश्वर ने सब दुनिया के मनुष्यों पर कृपा करके जब मनुष्यों का इस दुनिया में आने का क्रम बना 1,97,000,000 वर्ष पूर्व, इसका अपना विज्ञान है, आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे, जब सृष्टि विज्ञान की चर्चा करेंगे अलग 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 मान्यताओं की तब उसकी विशेष रूप से लेंगे। इसलिए उस समय परमात्मा ने वेद का ज्ञान 4 ऋषियों के माध्यम से दिया जिसमें संपूर्ण दुनिया का एक्सट्रैक्ट ज्ञान उपस्थित है। उसके बाद उनमें से विषय अनुसार उपवेद बनाए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों में 20,500 मंत्र हैं अलग अलग, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 10,500, आगे आगे अलग अलग हैं, उनके विषयों के हिसाब से उपवेद बने। आयुर्वेद बना एक उपवेद है, धनुर्वेद बना उपवेद है, गंधर्व वेद बना। गायन विद्या कहाँ से आई है? मैं दुनिया से किसी से पूछूं गायन विद्या शुरू कहाँ से हुई, कौन बताएगा? सरे गामा पाधानी कहाँ से आया बोलो, कोई नहीं बता पाएगा, ना बाइबल से आया ना कुरान से आया, फिर कहाँ से आया ये सात रंगों की कल्पना कहाँ से पैदा हुई कि दुनिया में सात ही रंग हैं, सात रंगों का जो ये धनुष पैदा हुआ ये कहाँ से? इन सब की मूल विद्या वेद में नहीं थे। बाद के ऋषियों ने एक एक मंत्र पर पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ऋषि थे वो रिसर्च स्कॉलर थे, आज के समय में जिनको हम रिसर्च स्कॉलर कहते हैं वास्तव में वो ऋषि ही थे। एक एक ऋषि ने एक एक मंत्र के ऊपर अपना पूरा का पूरा जीवन लगा करके उसको एलेबरेट करके अलग अलग ग्रंथों की रचना की जिनके कारण से भारत विश्वगुरु कहलाया। पुराणों के बारे में हमारा स्पष्ट मानना है, पुराणों का इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है, कहाँ से आए, किसने लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि उनके अंदर इतनी आपस में इतना अधिक आपस में उनका विवाद है आपस में पुराणों में कि उनको सत्य ग्रंथ मानना ऋषिदान के अनुकूल तो नहीं है। इसलिए उन्होंने वेद को प्रमाण माना, अंतिम प्रमाण, मेरी बात भी गलत हो सकती है, ऋषिदान बोले वेद में जो लिखा वो अंतिम सत्य है, वेद के एक भी मंत्र को आज तक बदला नहीं जा सका। ये एक अलग जबरदस्त एक शानदार विज्ञान है जो भारत के अलावा शायद दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। तो इसलिए वेद मूल ग्रंथ है, उन्हीं के आधार पर दर्शन, उन्हीं के आधार पर बाद में उपनिषद, उन्हीं के आधार पर उपवेद, उन्हीं के आधार पर और अन्य ग्रंथ, विमान संहिता, जिनके आधार पर विमान तैयार किए गए, जो सबसे पहले भारत में जिन्होंने विमान तैयार किया बम्बई के अंदर,
शिवकर बापू तलपदे, वो लिखते हैं, मैंने ऋषि दयानंद का ग्रंथ पढ़ा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उनका पुनः प्रवचन सुना, ऋषि दयानंद उस समय अपने ग्रंथ में ये बात लिख रहे हैं, तीन पहियों वाला विमान। उस समय दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं थी तीन पहियों, उनको कहां से आए उनके मन में, क्यों, वेद और वेदादि शास्त्रों में, क्योंकि वो लिखते हैं प्राचीन काल की कल्पना, उस समय दरिद्रों के यहां भी विमान थे, वो शब्द लिख रहे हैं ऋषि दयानंद प्राचीन काल में, कि हमारे यहाँ दरिद्रों के यानी जो सबसे गरीब है उसके यहाँ भी विमान थे और वो तीन पहियों वाला। आज भी आप दुनिया में कोई विमान देख लेंगे तीन पहियों का, या कोई चार पहियों वाला विमान नहीं है। तो उनकी जो कल्पना थी आधारित, कल्पना आधारित नहीं थी, यथार्थ आधारित थी। वो दुखी थे कि महाभारत के काल में जो विद्या का विनाश हुआ, महाभारत आदि के युद्ध के पश्चात में, उसका परिणाम हमारा ये दुर्दिन है। तो इसलिए मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, वेद मूल ग्रंथ हैं, उन्हीं में सारी विद्या निहित है, उन्हीं के आधार पर अलग 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 विद्याओं को अलग अलग ग्रंथों के अंदर रचाया गया, और उसके बाद में जिसको जिस विद्या में जाना था, आपको मेडिकल साइंस में जाना आयुर्वेद में जाइए, आपको एस्ट्रोलॉजी उसमें ज्योतिष में जाना है आप इस विज्ञान में इस वाले ग्रंथ में जाइए, आपको शस्त्र विद्या सीखनी है आप धनुर्वेद सीखिए, आपको गायन विद्या नाटक विद्या और जितनी भी जो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए विधाएँ हैं, संगीत है, नाटक है, जो अलग अलग प्रकार की, उसके लिए आप गंधर्व वेद के पास जाइए। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा वो सेटअप था जिसमें सारी दुनिया का ज्ञान और विज्ञान नहीं। आपने वेद की बात की, गौतम जी आप ये यंग भी हैं, इनसे ही जान लेते हैं आप किस चीज़ को फॉलो करते हो, वेद पुराण उपनिषद किस चीज़ को फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी बात बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। देखिए कोई भी चीज़ जब फॉलो की जाती है तो ऐसे ही नहीं कि मैंने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ कह दिया, या और किसी भी एक्स वाई जेड व्यक्ति ने कह दिया और हमने उसकी बात को मान लिया। कोई भी बात मानी जाती है प्रमाणों के आधार पर, तो जो आप्त पुरुष हैं एक तो उनकी बात प्रमाण होती है, एक जो ग्रंथ है जो लिखित में है शब्द प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, आगम प्रमाण होता है, तो इस आधार पर हमको चीज़ों को स्वीकार करना होता है। दूसरी बात, मूल जो सनातन धर्म का सिद्धांत है वो कहता है वेदोखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है, इसके बाद ये सब चीज़ें आई हैं। महाभारत काल हुआ, महाभारत घटित हुआ, उसके भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय के बीच भगवद गीता हमको प्राप्त हुई। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए थे, महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में पढ़ने गए थे। आज जितने भी कथावाचक हैं, जो कृष्ण के नाम पर जितने भी नाना प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं, क्या वो महर्षि संदीपनी और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो गुरुकुल में पठन पाठन हुआ उसका कहीं भी धार्मिक स्थान आपको देखने को मिलता है? कृष्ण ने यहाँ रास रची, वो यहाँ गोपियों संग नाचे, उन्होंने यहाँ पर माखन खाया, यहाँ पर मिट्टी खाई, यहाँ मिट्टी लगाई, ठीक है, वी रिस्पेक्ट ऑल दीज थिंग्स, बट वेयर इज दैट गुरुकुल? वो गुरुकुल क्या तीर्थ के रूप में, धरोहर के रूप में कहीं विद्यमान है जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए थे? शायद नहीं है। और ये एक मैं पूरी बात कर दूं, पहली बात ये, दूसरी जो वेदोखिलो धर्ममूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। तीसरा, आपने पुराणों की बात करी, तो आज जितने भी पुराण उपस्थित हैं अवेलेबल हैं उसमें नाना प्रकार की अविद्या की बातें, भ्रांति, मतलब हो सकता है उसमें बहुत सारी ठीक बातें हों परंतु अविद्याजनक बातें भी बहुत सी उसमें विद्यमान हैं। विष्णु पुराण में कहते हैं कि विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब उनके दास हैं। शिव पुराण में कहते हैं शिवजी सबसे ऊपर परमात्मा है, बाकी सब उनके दास हैं। और जो दूसरे देवी पुराण में कहते हैं देवी श्रेष्ठ है, पत्नी हो गई वो उनकी, तो वो ज्यादा ऊंची है। मतलब ये विभेद जो चल रहा है इसको वेद समाप्त करता है और बोलता है परमात्मा एक है, सपर्यगा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्वम कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू अर्थान व्यदाद शाश्वती भ्य समाप्या। परमात्मा एक है, उसके जैसे प्रभु जी ने कहा अलग अलग गुणों के अनुसार नाम है, उसका नाम विष्णु भी है, मैंने उसको देखा कि वो चर अचर जगत में विद्यमान है तो मैंने उसको विष्णु कहा। क्यों कहा? मैंने बोला या विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत सविष्णु, जो कण कण में विद्यमान है चर और अचर जगत में वो विष्णु है। मैंने देखा कि ये दुष्टों को दंड देकर रुलाता भी है तो ये तो रुद्र है। या रोदयत अन्यायकारिणो जनान सरुद्रः, जो दुष्टों को अन्यायकारियों को दंड देकर रुलाता है वो रुद्र भी है। मैंने देखा कि ये योगी जन इसमें रमते हैं तो ये राम है, रमन्ते योगिना यस्मिन सरामः, योगी जन इसमें रमते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। मैंने देखा कि इसने सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने शक्ति से होल्ड किया हुआ है तो मैंने बोला यो बृहताम आकाशादिनाम पालयति रक्षति च स बृहस्पति, सबसे बड़ा
पति है। ऐसे 100 क्या अनेकानेक नाम जो गुण के आधार पर रखे हैं परमात्मा के, मुख्य नाम क्या है? ओम है। तस्य वाचक प्रणवा, परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण सयाति क्या था आचार्य जी? बोलिए बोलिए आप बताइए सर, जवाब सोच रहे हैं आपको अभी जवाब देने वाले हैं सर। आप जो बोल रहे हैं उसको सुन रहा था। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, तो पतंजलि ने भी कहा तस्य वाचक प्रणवा कौन, तो तस्य वाचक प्रणव जो महर्षि पतंजलि जी ने कहा है वो भी वही बात कह रहे हैं। तो बाकी जो नाम है वो गौणिक नाम, जैसे आचार्य जी हैं, आचार्य जी का मुख्य नाम क्या है? आदरणीय वृंदावन चंद्रदास जी, इनके शिष्य इनको आचार्य जी कहते हैं, इनकी जो धर्म पत्नी होंगी वो इनको पति देव कहती। मतलब हर व्यक्ति का गुण कर्म आधार पर अलग अलग संबोधन होता है, परंतु मुख्य नाम एक होता है। इससे आचार्य जी भी सहमत हैं और आदरणीय विनय जी भी सहमत। सबसे बड़ी बात यह है जो प्रभु जी कह रहे हैं उससे हमारा वो नहीं है। सबसे एक चीज है कि आप कह रहे हैं ओम ही सब कुछ है, ओम सब ओम, जबकि शास्त्र हमारे भगवद गीता भी कहती है, शास्त्र भी कहते हैं ओम मेरा शब्द अवतार है। क्या है अवतार? मेरा शब्द अवतार है। ओम जो है वो शब्द अवतार है। और वेद का भी आज इस पर भी डिस्कशन है, 94% वेद तो लुप्त है। आज वेद 4 से बने हुए हैं, संहिता आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है ना। अब ये इसी में आज 2500 से ज़्यादा उपनिषद हैं परंतु अवेलेबल ही नहीं है। आज बेसिक फैक्ट ये है कि हम लोग तो आज आदि शंकराचार्य जी, वो तो आज देखा जाए तो हिंदुइज्म खत्म हो गई थी, पूरा भारतवर्ष जानता है इस बात को, जो कि थोड़ा सा भी इतिहास जानते हैं अध्यात्म का। बुद्धिज्म ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था पूरे भारतवर्ष को। आदि शंकराचार्य जी ने वापस वेदों को एस्टैब्लिश किया और वो भी जानते थे कि ये सारों का अध्ययन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि इसके पढ़ाने के भी जो प्रभु जी ने कहा था, जो ऋषिगण थे इनकी परंपराएं थी, ये परंपराएं कलयुग के अंदर खत्म हो गई हैं। आज जैसे कि जितना बताया प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा है, इससे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आनी चाहिए कि हम उस जगह के बाशिंदे हैं, हम उस जगह के हैं जहाँ की ये ज्ञान था परंतु आज पूरी तरह से लुप्त हो गया है। तो आदि शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं कि अगर आपने वेदों को गाय माना है तो जो भगवद गीता है वो दूध समान है, ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो आज मैं इसको बहस करने की कोई बात नहीं है इसमें, परंतु भगवद गीता के ज्ञान को आज जो भी पढ़ा है उसने कहा है कि ऐसा नॉलेज तो है ही नहीं, ऐसी नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि आज आपकी बात बिल्कुल सटीक है। मैं तो आपकी बात को बड़ा आभार करूंगा, आपने बिल्कुल सटीक बोला है कि भगवत गीता जिसने पढ़ी उसने बोला कि ऐसा ज्ञान है ही नहीं। वो इसलिए बोला क्योंकि वो उस वेद का मूल में से निकला, बिल्कुल, और वेद के जितने से छोटे से मूल में से निकल करके यदि व्यक्ति कह रहा कि ऐसा ज्ञान नहीं है तो पूरे वेद में क्या होगा? ये हाँ बिल्कुल, दूध आ ही नहीं सकता गाय के बगैर। अरे आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि वेदों का सार है, किसका सार है? तो मूल क्या हुआ? वेद हुआ, परंतु टाइम है आज आपके पास भगवद गीता सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज आप 99.9% लोग जो हैं अगर वो भगवद गीता ही पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी समय नहीं है, क्योंकि संस्कृत की ग्रामर समझने के लिए 12 से 14 साल लगते हैं कम से कम। जब आप जो वैदिक ग्रामर है ना उसको जानने के लिए आपको बेसिकली 12 से 14 साल देने पड़े। तो पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों दिया जाता था, जो प्रभु जैसे आपकी प्रवृत्ति थी उसके हिसाब से दिया जाता था, जन्म से नहीं है ये। जन्म से गीता बिल्कुल डिनाई करती है, गुणा कर्म विभाग से चतुर्वर्णमया सिस्टम गुणा कर्म विभाग से। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, मैं कैसे ऑफिसर कहलाऊंगा बताइए आप मुझे? मैं तो कहला ही नहीं सकता ऑफिसर, मैं तो पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ तो मैं तो टीचर हो गया, तो मतलब ब्राह्मण हो गया। मेरे पिताजी कहते मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि हम परिवार में ब्राह्मण परिवार में थे, ठीक है कौशिक है, परंतु मैं पिताजी से कहता हूँ आप तो बंदूक लेके घूमते हो, आप ब्राह्मण काल से हो, ना तो पढ़ते हो ना पढ़ाते हो, कोई भी कार्य नहीं करते आप, तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? तो ये पहली चीज़ जो सनातन धर्म के पीछे जो लोगों ने पीछे जो गड़बड़ हुई है सारी की सारी, वो ये कास्टिज्म जो है, ये कास्टिज्म बिल्कुल सही नहीं है। ये कास्टिज्म हमारे बिल्कुल भगवद गीता इस बात को क्लियर करती है, तब गुणा कर्म विभाग से गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है, और आप भी इस बात को एग्री करेंगे। अरे जो चीज बोली जा रही है वो लॉजिकल, कुछ तो लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है? लॉजिकल की बात है तो लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ लेते हैं, आपका क्या सोचना है इस बारे में वेद और इसके ऊपर? मेरा ही मानना है कि हर इंसान की अलग अलग जरूरत है,
और उसको जरूरत के हिसाब से ज्ञान चाहिए होता है, तो अगर उसको वो ज्ञान वेद से मिल रहा है, उपनिषद से मिल रहा है, जहाँ से उसको अपने काम की बात मिल रही है उसको लेनी चाहिए। ऐसा कुछ हम भी नहीं बोल सकते कि वेद ही नहीं पढ़ा तो फिर आपने कुछ नहीं किया, तो उसको जहाँ से जो जरूरत की मतलब चीज़ हो रही है चाहिए, गीता भी पढ़नी चाहिए उसकी जरूरत के हिसाब से है, और जिसको जरूरत नहीं है, उसका काम चल रहा है जीवन में, उसको जिसके फंडे ऑलरेडी क्लियर हैं, वो पढ़े ना पढ़े, एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे गीता पढ़ के हमें सीख मिलती है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, राइट, ऑफकोर्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई बट ये बहुत फेमस हुई सेइंग है। तो अगर मैं एलन मस्क का इंटरव्यू देख रहा हूँ, और शायद जिसने कभी गीता या वेद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर वही बंदा ये बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो तो इवन प्रोबेबिलिटी शायद 100% उसको फेल होने की उस काम के पीछे, फिर भी आपको वो काम करना चाहिए, बिकॉज इवन दो आप फेल हो गए तब भी आपको सीख के निकलोगे, राइट। तो अब उसने गीता पढ़ी नहीं है शायद, लेकिन वो जो बातें कर रहा है वो एक्चुअली गीता वाली कर रहा है जो गीता में कही है। तो अगर किसी के फंड ऑलरेडी वो क्लियर है तो वो चाहे उसने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, तो उसके एक्शन से हम निकाल सकते हैं कि इसको चीज़ का ज्ञान है। जो भी नया जी हम कहते भी हैं, व्यक्ति जो मटेरियली भी सक्सेसफुल है ना, वो जाने अनजाने प्रभुपाद जी को भी खुश करते हुए, वेद को अपने आप को भी खुश करते हुए, भगवद गीता को फॉलो करता है, बगैर उसको फॉलो किए वो कर ही नहीं सकता, वो मटेरियली भी सक्सेसफुल है। आज आपका जेफ बिकॉज है, मतलब टॉप व्यक्ति है, मेरे को किसी ने बोला कि इनका वो BBC पे इंटरव्यू आ रहा है और ये रिपीट है, तो मैंने उसको देखा, बताऊँ उसने क्या कहा, उसने कहा मैं जब कंपनी खरीदता हूँ या शेयर लगाता हूँ उससे पहले सोचता हूँ, और खरीदने के बाद फिर मैं नहीं सोचता, फिर मैं रिजल्ट के चक्कर में नहीं रहता, फिर मैं कहता हूँ एफर्ट लगाओ उसको सक्सेसफुल करने के लिए। तो भगवदगीता जो आप जो कह रहे हो ना प्रभु जी कि भगवदगीता में कहा गया है कि कर्म कीजा फल की इच्छा ना कर, एक्चुअली भगवान ये मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ कहीं कहाँ लिखा है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंदना। अगर यज्ञ, और वेद में ही आया यज्ञ वही विष्णु, कि यज्ञ ही विष्णु हैं, यज्ञ के लिए कर पर अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर, और आप जो कह रहे हो प्रभु जी कुछ चीज़ ले लो कुछ चीज़ ले लो, तो प्रभु जी ने जो एग्जाम्पल दिया है मैनुअल का, आप ग्रेनेड का ग्रेनेड आ गया आपके हाथ में, उसमें लिखा है पिन मत खींचियो, बाकी तो सारा कुछ करते हैं परंतु पिन ही खींच देते हैं, तो प्रभु जी मैनुअल पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, मैनुअल आधार उधरा नहीं। ये हमारे प्रभु जी इस चीज़ में मुसलमान अच्छे हैं, कुरान एकदम स्थाप, अरे हमारे मेरे को आज तक, मैं तो इतना पढ़ा है प्रभु जी जो कह रहे हैं, पुराणों को भी पढ़ा है मैंने, कंट्रोवर्सी मैंने कहीं देखी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे सामने कंट्रोवर्सी लाए हम दूर कर देंगे, कंट्रोवर्सी है ही नहीं, कंट्रोवर्सी बताऊं सिर्फ क्या, पुराणों पर चर्चा होनी चाहिए फिर तो जरूरी है। हाँ, पुराणों पर चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे हमें एक चीज और, हमने ऋषि किसको मानते हैं, पहली बात तो हमें एक क्वेश्चन मार्क ही आता है कि हम ऋषि किसको मानते हैं, हम ऋषि किसको मानते हैं, जिसने कोई नया थॉट लाया, सॉरी सनातन नहीं होता वो, नया थॉट इज नेवर सनातन, योर थॉट जब ही गीता में भी आया एवं परंपरा प्राप्तिम, ये ज्ञान जो है परंपरा से आना चाहिए, दिस शुड कम। मैं इनसे प्रभु जी जब बात कर रहे थे पीछे, मैं सोच रहा था, मैं पूछने वाला था कि आपके गुरु कौन है, वेयर हैव यू टेकन द नॉलेज फ्रॉम, सिंपल है, व्हाई शुड आई नॉट आस्क, आप कहोगे मैं इंजीनियर हूँ, मैंने कहाँ से किया है, जैसे आज बोलना नहीं चाहिए, पहले एक प्रदेश होता था भारतवर्ष में, वहाँ से कोई डॉक्टरी करके आता था और लोग उसको लेते नहीं थे, उसके बाद इलाज के लिए भी नहीं जाते थे, परंतु आज उस प्रदेश अच्छा हो गया है, प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, तो बेसिकली पूछते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी बेफालतू की, तो बेसिक फैक्ट यह है कि आपको पूछना तो पड़ेगा कि आपने अपना नॉलेज लिया कहाँ से। आज अगर आप नया थॉट निकाल रहे हो तो वेयर हैज योर थॉट कम फ्रॉम, इफ इट इज न्यू इट विल डाई, इफ इट इज इटर्नल इट विल स्टे। क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बारी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सनातन इटर्नल है, तो फिर इटर्नल होने के बावजूद भी जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर आपको MSc करनी है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड को लाने की जरूरत क्या है, सीधा MSc कराओ ना, नहीं होता। जब ये अलग अलग टाइम पे किसको प्रचार कर रहे थे जीसस, बताइए आप, फिशरमैन, ही वॉज टीचिंग टू फिशरमैन, तो कुड ही गिव्स द हाईएस्ट नॉलेज टू फिशरमैन, क्या वो दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल कोट किया, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर बच्चे को क्या सिखाते हैं, बड़े से छोटे को घटा, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 3-2 एकदम बच्चा कहेगा 1, फिर बच्चे से को 2-3 बोले पता नहीं आपको प्रश्न करना ही नहीं आता, परंतु हायर मैथमेटिक्स में क्या है, 2-3 = -1। तो इसी तरीके से प्रभु जी समय और परिस्थिति को देखकर, परंतु
अब बहुत जरूरी है शब्दार्थ नहीं भावार्थ। आज आप प्रभु जी मिले अपने मित्र से और गाली दे के मिले इनसे, अरे गले मिलेंगे, और दूसरा व्यक्ति गाली दे दे तो सुना देंगे उसको दो और। तो बेसिक फैक्ट इज दिस, गाली का चक्कर था कि भाव का चक्कर था, सारा का सारा चक्कर किसका था, भाव। तो भावार्थ क्या है? आज मैंने उनसे जो इस्लाम से उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा अगर सभी सनातन धर्मी हैं आप तो बेसिकली हम भी मानते हैं कि काफिर, काफिर कौन है? काफिर वो है जो नास्तिक है, वो है काफिर, नहीं वो नहीं है जो कि मानता है कि एक है गौतम परम पुरुष है। देखिए पहले तो मैं उनके जो प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। प्रभु जी ने कहा मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ कि ये मतलब ये तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर सनातन ही श्रेष्ठ है तो ये जैन बौद्ध यहूदी पारसी और इस्लाम इसलिए है क्योंकि ये पहला स्टेप है। नहीं ये पहला स्टेप नहीं, पहला स्टेप नहीं कह रहा मैं। हाँ, आपने बोला ना नहीं, मैंने कहा कि बेसिकली आज ऐसे लोगों के बीच में थे जहाँ की कोई धर्म ही नहीं था, कोई तो धर्म ही नहीं था। तो ये जितने भी तो जितना ये जानते थे उतना इन्होंने सिखा दिया। तो जितने भी ये जो संप्रदाय बने हुए हैं ये क्या होता है, पहली बात तो इस्लाम धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, यहूदी पारसी और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये मत पंथ मजहब और संप्रदाय हैं। अच्छा मत पंथ मजहब और संप्रदाय क्या होते हैं, एक पूजा पद्धति, एक ईश्वर उनका अलग अलग, एक पूजा पद्धति अलग, ईश्वर अलग, रीति रिवाज अलग, कर्मकांड अलग, मान्यताएं अलग, उनका पूरा नियमावली अलग बना ली। क्यों बना ली? केवल और केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो सत्य को सत्य मानेगा, झूठ को झूठ मानेगा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहेगा, वो अलग अपनी लकीर नहीं खींचेगा। जो सत्य सिद्धांत है ईश्वर का उसको फॉलो करेगा। दूसरी बात जो आदरणीय प्रभु कह रहे हैं कि काफिर मतलब वो जो नास्तिक नहीं, काफिर मतलब वो जो अल्लाह में ईमान ना लाए, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने, जो मुशरिक हो, और जो मुशरिक हो, मुशरिक का अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करता हो। इस्लाम में तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता, जबकि मेन उनका मूर्ति पूजा ही है मक्का में, क्या है हाँ जो भी है, लेकिन इस्लाम बुत परस्ती को हराम मानता है और कहता है मुशरिक नापाक हैं, इन मुशरिकों को जहां पाओ वहां इनका कत्ल करो। ऐसे में तो आर्य समाज भी मूर्ति पूजा को नहीं मानता, पर आर्य समाज जो है, आर्य समाज एक कॉन्सेप्ट को मानता है और वेद भी इसी कॉन्सेप्ट को मानता है कि मूर्ति दो प्रकार की है, एक जड़ मूर्ति एक चेतन मूर्ति। जड़ और मूर्ति पूजक आर्य समाज सबसे बड़ा है, मूर्ति पूजक आर्य समाज सबसे बड़ा है, ऐसे मूर्ति पूजक है कि वो चेतन मूर्ति को मानता है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को मानता है, इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को नहीं मानता। आज के लोग क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, आप भी आसपास देखते होंगे कि गाय जो मंदिर में मूर्ति बनी हुई है उस पर जाकर के दिया बत्ती करते हैं, और गेट पर जो गाय आ गई है उसको लठ मारते हैं, जो घर में चूहा आ गया उसको मारते हैं, और गणपति के साथ जो चूहा बैठा है मूषक उसकी पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि मूर्तियों को तोड़ देना। आर्य समाज की जैसे आपने बात करी, तो जब हैदराबाद में आंदोलन हुआ, मंदिरों में ताले लगा दिए गए, तो यदि आर्य समाज मूर्ति का शत्रु है, मूर्ति का भंजक है, मूर्ति का विरोधी है, तो क्यों आर्य समाज ही केवल गया था हैदराबाद में जाकर के उन मूर्ति पूजकों का समर्थन करने, और क्यों स्वामी समर्पणानंद स्वामी महात्मा नारायण स्वामी ने जाकर के हैदराबाद के निजाम को घुटने टिकवाए और जाकर के मंदिरों के ताले खोले? इसका जवाब हम सर से ही लेते हैं। जी सर ने जो बात कही है, जो अभी हमारे दर्शक बैठे हैं, उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि जब सनातन इटर्नल है हाँ, तो फिर इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, प्रश्न वहां पर जाए और उसका उत्तर देना चाहिए। महाभारत काल के अंदर जब युद्ध हुआ तो सारे योद्धा महायोद्धा मारे गए, सारे गुरुकुलों के आचार्य मारे गए, सबको खड़ा कर दिया था, लड़ो तुम हमारी तरफ से, लड़ो तुम हमारी तरफ से, लड़ो तुम हमारी तरफ से, लड़ो, सारा सब कुछ समाप्त हो गया। जो ज्ञान का स्रोत था मूल और जिसको बढ़ाने वाले थे वो चले गए। अब आस्था आस्था ज्ञान के विपरीत, मैं हूँ ज्ञानी, बस सब कुछ खत्म हो जाए, यहाँ से सारे IIT IIM खत्म हो जाएं, तो जिसने दो क्लास भी अटेंड करी हूँ IIM की, वो कहेगा मैं हूँ असली तो IIM वाला, आओ मेरे से पढ़ो। अब उसको जितना पता था उसने उतना बोलना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ज्ञान गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, बड़ा सरल समझ में आ गया भाई, ज्ञान गंगा में स्नान करने से पाप मतलब कष्ट, यानी समझ में आ जाता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ज्ञान कट गया, क्या रह गया, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, अब ज्ञान तो रह गया पीछे। अब गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, चल पड़ा, अब सारी दुनिया एक दिशा में जा रही है, गंगा में स्नान करो सारे पाप धुल जाएंगे।
केवल एक शब्द के कटने से सारा अर्थ का अनर्थ होता चला गया। महात्मा बुद्ध का उदाहरण हम सबके लिए पर्याप्त है आपके प्रश्न का उत्तर के लिए। महात्मा बुद्ध के सामने प्रश्न आया, उनके सामने कोई पशु को ले जा रहे थे, पशु चीख रहा था, भाई क्यों ले जा रहे हो? बलि देने के लिए ले जा रहे हैं यज्ञ में। अरे कहाँ, किसने, किस लिए? वो अमीर आदमी है, सेठ है, उनके यहाँ पुत्र नहीं होता है, तो यज्ञ में इनकी बलि दी जाएगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे बलि दी जाएगी इनकी निरीह जानवरों की, क्यों? बोले कहाँ लिखा है ऐसा? तो उसने बोला वेद में लिखा है ऐसा। तो महात्मा बुद्ध ने बिना ये देखे, बिना ये जाने कि क्या वेद में वास्तव में ऐसा लिखा भी है, ऐसा बोल दिया कि अगर वेद में ऐसा लिखा है तो मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। और उन्होंने एक नई प्रचलन शुरू कर दिया बौद्ध, वहां से एक नया प्रचलन शुरू हुआ जो आपका प्रश्न था। वेद का ज्ञान जब शून्य होता चला गया, वेद को जानने वाले, वेद को पढ़ाने वाले, वेद को पढ़ने वाले, वेद को पढ़ाने वाले गुरुकुल संस्थान सब जब क्षीण होते चले गए, तब वेद के नाम पे जिसने जो बोला अपनी बात को मनवाने के लिए, कहां लिखा है वेद में? लिखा है वेद के आधार बना करके, वेद को अपना एक ढाल बना करके जो भी बोला अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, वो उसने वेद का कहना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध जैसे लोगों ने कहा ये तो बात अच्छी नहीं है, उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा कि ऐसी बात अच्छी नहीं है इसकी वेद में इसको मार डालना, उन्होंने नया मत चला दिया। अगर वो पूर्ण होता तो फिर यहूदी की आवश्यकता नहीं थी, अगर यहूदी पूर्ण होता तो फिर ईसा की आवश्यकता नहीं थी, वो भी पूर्ण नहीं था, अगर वो पूर्ण होता तो फिर मुस्लिम मत की आवश्यकता नहीं थी। 1,97,00,000 वर्षों से निरंतर अविरुद्ध रूप से लगातार चलने वाला एक ही मत रहा वेद मत। बाकी जितने भी आए उनमें से थोड़े ही समय में फ्रैक्शन बन के 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8 लगातार होते चले गए। इसलिए वेद मूल जब से समाप्त होना शुरू हुआ तब से ही नए मतों का जन्म हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता आते आते जैसे जैसे वेद का प्रभाव और वेद का ज्ञान आस्ता आस्ता जब संसार में चलता चला जाएगा तब सब वापसी से एक ही ईश्वर एक है, इसलिए उसका ज्ञान भी एक है, इसलिए उसके पैदा किए हुए मनुष्य भी एक हैं, इसलिए उनका एक रहने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये ऋषि ध्यान कहते थे, बैठ के चर्चा कर लो वेद का ठीक है या इसका ठीक है, निर्णय होने पर वो मान लेना जो सबको स्वीकार हो। इसलिए आज वेद पर चर्चा होनी बेहद आवश्यक है। इसीलिए आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। बुद्ध जी से उनके एक शिष्य ने कहा, आपने सारा ज्ञान दे दिया हमने, तो उसने बुद्ध जी ने भेजा कि जा पेड़ से एक पत्ता तोड़ के ला, पत्ता तोड़ के ला, बोले इतना दिया है। पेड़ पे कितने पत्ते होते हैं? उन्हें कहा इतना दिया है, क्योंकि वेद के अंदर बड़ा अजीब है वो, आपका कैसे है? वेद के अंदर निराकार की भी चर्चा है, साकार की भी है। उपनिषदों के अंदर निराकार की भी चर्चा भी है और साकार की चर्चा भी है। और जैसे प्रभु जी ने कहा, हमसे भी कई बार बात करते हैं, हमने कहा मूर्ति उपासक नहीं है, जिनको आप इन्होंने चेतन मूर्ति कहा है हम उसको कहते हैं अर्च विग्रह। अर्च विग्रह जो विग्रह है जिस पर अर्चना कर सकते हैं, हम भी मूर्ति उपासक नहीं हैं, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति का मतलब होता है मन गढ़ंत बनाई हुई आकार, उसको मूर्ति कहते हैं। हम लोग भी अर्च विग्रह की, जिनको कि आप प्रभु जी ने कोट किया कि क्या है, वो चेतन मूर्ति है। हम मूर्ति बिल्कुल आगे हैं इससे मूर्ति पूजा की। आज आप कहीं भी जाइए, जैसे कि आपने सुना होगा, मजाक सा लगता है कि एक कुत्ते ने लघु शंका कर दी एक पत्थर पे गांव के बाहर, तो एक व्यक्ति निकलता हुआ आया, उसने कहा और ही किसी ने पानी डाल के गया, दूसरा आया उसने उस पर और पानी डाल दिया, तीसरे ने डाला, चौथे दिन मंदिर बन गया। अब ये बोगस है, ये क्या है प्रभु जी? दिस इज बोगस। आज इसके लिए हमें फाइट करना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। आज परम सत्य की जब हम बात करते हैं, परम सत्य का मतलब है पूर्ण है वो, और अगर पूर्ण है तो उनके अंदर सारे गुण होने चाहिए, वो सर्वगुण संपन्न होने चाहिए, निराकार भी होने चाहिए और साकार भी होने चाहिए। अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो पूर्ण तो अपूर्ण नहीं होता, परंतु हमारी जो समझ है वो अपूर्ण हो जाती है। ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो वेदों के अंदर हर चीज है, हम क्यों सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? पूरा मानिए। तो जो अर्च विग्रह है उसमें प्राण है? प्राण तो थी, बिल्कुल। सवाल यही है कि जो इन्होंने बताया कि अर्च विग्रह वाला, तो आप क्या यही रीजन है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता? देखिए आर्य समाज का जन्म हुआ 1875 में। अब उससे पहले मैं कहूँ कि मूर्ति पूजा होती थी तो मैं गलत कहूँगा। श्री कृष्ण का उदाहरण ले लेते हैं, दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊंगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम
इसकी मूर्ति बना करके अर्थविग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता इसलिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे, स्वीकार करेंगे। पूरे वैदिक इतिहास के अंदर एक भी महापुरुष के लिए कोई ऐसा उदाहरण किसी प्रमाणिक ग्रंथों में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है रामायण, प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें से एक भी ग्रंथ के अंदर ऐसा उद्धरण कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता, कारण समझिएगा, ईश्वर निराकार है जो हर कण कण में है, तो मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कहां से, हवा की मूर्ति कैसे बनाऊंगा मैं, मेरे पास कौन सी व्यवस्था है कि मैं हवा की मूर्ति बना करके रख सकूं। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है भाई साहब, दिखाना जरा नहीं, 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 बेसिकली नहीं मैं बोल रहा हूं ऊपर, क्योंकि भारत में के अंदर अद्वैत और द्वैत दो दो सिद्धांत चलते हैं, चलेगा तो ये है ना, या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कोई नहीं, अरे अरे वो परम सत्य है, दोनों चीजें साथ हो सकती हैं। नहीं, मैं अपनी पूरी बात, मैं माफी चाहूंगा, हम भी आपको समझने के लिए बैठे हैं, हम भी अभी कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है, कुछ ना कुछ समझेंगे तो आपकी बात रखेंगे। भूख की मूर्ति कैसे बनाऊं मैं भाई साहब, बहुत भूख लगी, दिखाना कहाँ लगी है, बहुत लगी है, बड़े दिखाओ तो सही का। भाई भूख की आप आभास कर सकते हैं, इसलिए उसकी मूर्ति कैसे बनेगी, इसलिए दयानंद ने कहा क्योंकि ईश्वर निराकार है, स्थान स्थान पर है, उसमें सारा जगत समाया है, तो मैं उसकी मूर्ति छोटे से वेश में कैसे बनाऊं, मुझे क्या पता उसकी सूरत कैसी है। फिर मानता हूं मूर्ति, वेद में मान लेते हैं एक बार, कई बार बात आ जाती है कि मूर्ति, भाई वेद में कहां लिखा कि ऐसी मूर्ति होनी चाहिए, लाखों तरह की मूर्तियां पूरी पूरे दुनिया के अंदर प्रचलित हैं, उनमें से कौन सी ठीक है, एक दो हर तरह की हैं, फिर तो परमात्मा की जितनी भी सारी दुनिया में इतनी सारी प्रकृति है, ये भी परमात्मा की मूर्त ही है, जो इतने ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे जंगल, वृक्ष आदि, ये भी सब, इसलिए महर्षि दयानंद का स्पष्ट मंतव्य था, ईश्वर कण कण में है, हर पल हर समय है, इसलिए उसको हर समय हर जगह पे स्वीकार करना ही उसकी वास्तविक उपासना है। उसको एक देशीय मान लेना, एक जगह पर मान लेना, एक जगह पर बैठा हुआ मान लेना दोष है। मुझे ऐसा लगेगा कि अब तो मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ, अब मुझे डर की चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय पंडित जी ने द्वार बंद कर दिए हैं। इसलिए ईश्वर को कण कण में स्वीकार करना ही वास्तविकता है। इसलिए मूर्ति कोई बनाना कला है, मूर्ति को बनाना कला है, और ये वेद की कला है, मूर्ति कला वेद की कला है, पत्थर को गढ़ना, लकड़ी को गढ़ना, लेकिन उसकी जो साकार पैदा हुआ, मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूँ क्योंकि आप मेरे सामने साकार हैं, मुझे दिख रहे हैं, राम ही संसार में पैदा हुए, कृष्ण इस संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाई गई उसके पत्थर से लकड़ी की, लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव है। एक सवाल भी आ रहा है जी, असल में एक लाइन में दो सवाल, और धर्मशास्त्र ग्रंथ है या वेद है, वेद को माने या ग्रंथ को माने, मैं अपनी ओर से दे देता हूँ, आचार्य जी अपनी ओर से दे देंगे, तीनों इसका उत्तर देंगे अपनी तरफ से, और मैं नक्षत्र जी से भी इसके बारे में, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल तीन नहीं हम चार हैं, मैं माफी चाहता हूँ, चार पहली बात तो हम इससे एकदम अलग हैं कि राम जी और कृष्ण महापुरुष है, नहीं वो परम भगवान है, अब आप जो मानते हो ठीक है, वो हमारे को उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान ने भी जबरदस्ती नहीं करी, या हम अपने पैरों पे खुद खुलाड़ी मारते हैं, राम और कृष्ण को हम महापुरुष बोलते हैं, बिल्कुल गलत, कृष्ण भगवान महापुरुष नहीं, परम भगवान है, और जब वो आए थे, जो उनके अगर आप मानते हो कि उन्होंने अवतार लिया, अवतार शब्द का अर्थ है कि उनका उतरना, कि कहाँ से उतरे, तो ये चीज़ एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज़ जो प्रभु जी ने कहा, ये कैसे मानते हैं कि हम नहीं मानते कण कण में है, अरे ये किसने कह दिया, हाँ भागवत के अंदर, अब आप हमारे साथ चक्कर क्या हो रहा है कि प्रभु जी सिर्फ वेद मान रहे हैं, हम पुराणों को भी मानते हैं, वेद क्या है, वेद आपको समझा दूं, लॉ बुक्स को कहते हैं वेद, और लॉ जर्नल को कहते हैं पुराण। व्हाट आर लॉ जर्नल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ बुक, लॉ बुक और लॉ जर्नल में फ़र्क क्या है, लॉ बुक लॉ जर्नल बताता है इस केस के जब इन्होंने लॉ पालन किया तो इनके साथ ऐसा हुआ, और जिसने लॉ पालन नहीं किया उसके साथ ऐसा हुआ, जज डिसाइड्स, हाई कोर्ट का नहीं, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट करी जाती है, केसेस कोर्ट करे जाते हैं, क्या करे जाते हैं, केसेस कोर्ट करे जाते हैं, इसीलिए पुराण जो है, जब उनका पुराण नाम इसलिए पड़ा है, वो पूर्ण कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी व्याख्या दी है, मैं मानते हैं, और मंदिर जो ये सोचता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, उससे बड़ा हम तो, अब जब हमारी हम जब चर्चा करते हैं, हम तो ये मानते हैं कि बिल्कुल गीता में भी आया है कि भगवान हृदय में आत्मा के साथ विराजमान है, हम आत्मा परमात्मा नहीं है,
ये हमारा क्लियर है कि हम अगर परमात्मा हैं तो माया में कैसे फंस गए हम, तो ये सब चीजें जो हैं। धन्यवाद है आपका। वैसे आपने जिस व्याख्या को रखा, मैं आप ही की बात को रखूंगा। आपने कहा वेद जो है वो हमारा लॉ है और जर्नल जो है वो पुराण है। निर्णय जब भी होगा वो लॉ के हिसाब से होगा। बिल्कुल मना नहीं कर रहे, किसने मना किया? नहीं नहीं, परंतु लॉ जर्नल अगर आप छोड़ दोगे तो लॉयर थोड़ी बन जाओगे। हमारा तो ये कहना है कि लॉ बुक वो लॉयर को पूरी कर लेनी। दीजिए पूरी बात, आपने अपनी बात कही, बहुत धन्यवाद है। यानी कि ये सेट हो गया कि वेद अंतिम है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये सेट हो गया। अब विवाद केवल वहां पर रह जाएगा कि वेद की बात और पुराण की बात में अगर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो पुराण की बात मानी जाएगी या वेद की? बस समाप्त है, मैं आपकी बात को बड़ा करूंगा। आता ही नहीं है डिफरेंस। नहीं, अगर आए तो नहीं आएगा। आप इसको कहिए कि अगर आए तो आएगा ही नहीं। अगर आए तो सवाल यही था। देखिए आएगा ही नहीं, हमारा प्रश्न नहीं प्रभु जी ऐसा। अगर आए तो क्या करेंगे ये बताइए, आपके पानी कब तरलता छोड़ देगा? अगर इन दोनों डिफरेंस आए तो क्या होगा? देखिए नहीं हो ही नहीं सकता सर। अगर अंतर नहीं आता तो फिर दो होने की आवश्यकता नहीं थी। सुनिए एक चीज और सुनिए, अगर उनमें और उनमें अंतर ही कुछ नहीं है, अगर उनमें और उनमें अंतर ही कुछ नहीं है तो फिर दो की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, क्योंकि लॉ बुक और लॉ जर्नल की आवश्यकता नहीं है। लॉ जर्नल बाद में बने। हाँ बिल्कुल एग्री, लोगों को देख देख करके केस स्टडी कर करके बने। एग्री, मूल मूल रहेगा, उसको मना नहीं कर रहे। लॉ जर्नल, लॉ जर्नल रहेंगे। अरे प्रभु जी सिर्फ लॉ बुक भी एक अंतर आता है, लॉयर नहीं बन सकते सर, उसमें भी एक अंतर आएगा। अब बताइए दोनों किताबें जरूरत है कि नहीं? इसको एक मिनट के लिए इसको पूरा होने दीजिए। जब आपने अपनी बात कही मैं उसको उसी को आगे दोहरा रहा हूँ। वेद मूल है, लॉ जर्नल्स में आपके हिसाब से पुराण है और जो भी ग्रंथ आप मानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनमें दोनों में अंतर ना होता तो फिर दूसरे की आवश्यकता नहीं थी, वो व्यवहारिक चीजों को लिख दिया गया उसमें, जो घटनाक्रम किया वो लिख दिया गया। देखिए वेद में इतिहास नहीं है। अरे तो इतिहास पुराण में इतिहास है। लॉ जर्नल की जरूरत है ना प्रभु जी, क्यों नहीं है लॉ जर्नल? नहीं, मैंने एक ही प्रश्न किया, अगर उन दोनों में भेद आएगा किसी भी कारण से आएगा ही नहीं। अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो एक तरफ तो पुराण कह रही है कि वो रास रचाते थे, माखन चोरी करते थे और ये करते थे वो कर, नाना प्रकार के उनपे लांछन, मतलब इतने लांछन तो शिशुपाल ने भी भगवान श्री कृष्ण पे नहीं लगाए जितने आप। जब ये प्रभु जी आप समझिए, पहले आप मैं, लीला में क्यों एंटर करते मैं एक बार पहले व्यक्ति को जान, व्यक्ति को पहले मैं मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले बोली बात तो कर दूं। बोलो बोलो। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात अगर अंतर की बात करें तो बिल्कुल अंतर आएगा, क्योंकि जो पुराण है वो कह रही है कि हमारे शिवजी ही सबसे ऊपर हैं, दूसरी देवी पुराण कह रही है कि हमारी देवी ही सबसे ऊपर हैं, और तीसरी भागवत कह रही है कि विष्णु और कृष्ण में भी बहुत मतभेद पैदा कर दिया, दो प्रकार के कृष्ण। अब आप चलो, मैं बहुत भीतर नहीं घुसता, कृष्ण को परमात्मा मानने वालों के संप्रदाय की एक सूची तैयार कर लो। एक गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया कम पड़ गया तो इस्कॉन बन गया, फिर इस्कॉन कम पड़ गया तो प्रभु जी ने अपना गिव गीता बना दिया, फिर और कम पड़ गया तो निम्बार्क संप्रदाय, मैं पूरी बात कर दूं, निम्बार्क संप्रदाय बन गया, फिर राधावल्लभ बन गया, फिर वल्लभाचार्य बन गया। मतलब मानते सब प्रधान कृष्ण को ही है, पर इनमें ही आपस में पहले मतभेद जो है वो तो क्लियर हो जाए, फिर वेद और पुराण पे हम बाद में डिस्कस कर लें। मैं तो कहता हूँ दयानंद सरस्वती जी भी क्यों निकले बाहर, बाहर कहाँ निकले, बाहर कहाँ निकले, अलग कहाँ, उन्होंने अलग, कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं बनाया। अरे अगर अद्वैत को मानते हो तो आदि शंकराचार्य जी तो चल ही रहे थे। नहीं, उन्होंने कोई मत पंथ संप्रदाय बनाया क्या? उन्होंने कहा कि मेरी मूल समाज क्यों कहते हैं, समाज क्या है, समाज क्या है, संगठन है, जैसे आरएसएस क्यों कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद क्यों कहते हैं जी? यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, हमारा भी क्या है, इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन, इस्कॉन भी तो क्या हुआ, एक संगी तो हुआ प्रभु जी, आप उसको संघ का रूप देकर आप एक, नहीं देखिए ये वो, लेकिन वो कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है तो प्रभु जी ये आप नहीं कह सकते। देखिए पहले आप मेरी बात तो पूरी कर ले, एक बात मेरी पूरी कर, इन्होंने कहा कि आपने अलग संप्रदाय नहीं है, पहली बात आर्य समाज, जैसे आरएसएस एक संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद एक संगठन है, जैसे बजरंग दल एक संगठन है, वैसे ही ऋषि दयानंद ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्य समाज की स्थापना करी, और आर्य समाज वेदों को मानने वाला संगठन है, पहली बात। दूसरी बात, आर्य समाज के बारे में क्या कहा पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने, वो कौन थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उन्होंने कहा यदि आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा,
आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। पूरी बात नहीं, नहीं मैं आप मदन मोहन मालवीय जी देखिए, अभी मैं पहले से मैं पूछना चाहता हूँ, मदन मोहन मालवीय जी कौन है, मुझे मुझे बताइए कौन है। नहीं मुझे पहले बताओ आप मुझे किसी, मदन मोहन मालवीय जी ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी तो विश्वनाथ टेम्पल उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के भीतर बनाया और विश्वनाथ टेम्पल के गेट पर आर्य समाज की स्थापना करी, यज्ञशाला की। बोला आर्य समाज द्वारपाल है, कोई भी यदि आक्रांता घुसेगा तो इनको आर्य समाज से लड़कर के भीतर आना पड़ेगा। दूसरी आपने संगठन की बात करी कि ऋषि दयानंद अलग क्यों चले, पहले मैं पूरी बात कर लूं। इस्कॉन में आज क्या होता है, खुद श्रीला प्रभुपाद की मूर्ति बनाकर उनका अभिषेक करते हैं। कौन सा ऋषि दयानंद के सिद्धांत को मानने वाला ऋषि दयानंद की आरती करता है, कौन ऋषि दयानंद मध्वाचार्य संप्रदाय में करते हैं, रामानुजाचार्य जो कि आप हैं। जो कि बिल्कुल गलत, नहीं नहीं आप कह रहे हो ये, अरे रामानुजाचार्य कितना पुराने हैं क्या बताइए, इस्कॉन में प्रभुपाद का अभिषेक तो बता रहा हूं। आप करते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी का रुद्राभिषेक, बताओ मुझे, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि हमने क्या कोई नई चीज शुरू करी, आप नहीं नहीं बात नहीं। आपने हमने कोई नई चीज शुरू की नहीं, माध्वाचार्य संप्रदाय में, रामानुजाचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी में, वल्लभाचार्य संप्रदाय में, वेद में, सब में होता है, वेद प्रतिपादित नहीं है, बस हमारा कहना इतना सा आचार्य। आप जिन शंकराचार्य को प्रमाण, आप जिन शंकराचार्य जी को, जिन शंकराचार्य जी को प्रमाण मान रहे हो, स्वामी स्वरूपानंद जो शंकराचार्य थे उन्होंने क्या कहा, इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, निश्चलानंद जो अभी शंकराचार्य हैं उन्होंने मत हो सकता है, कह रहा हूँ प्रभु जी आप जो कह रहे हो ना कि मैं स्वामी दयानंद जी को गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार आपको कोई चीज को प्रमोट करने के लिए जब आप देखते हो कि गड़बड़ हो रही है तो उसमें कई चीजों को रिजेक्ट करते हो और कई चीजों को पुश करते हो, आगे जाकर आप खुद ही रियलाइज करोगे। पहली बात तो ये है कृष्ण और रामचंद्र जी जो हमारा बहुत बड़ा वो मतभेद है वो ये है कि वो महापुरुष नहीं है, वो भगवान स्वयं भगवान है। दूसरी प्रभु जी जो कहा नहीं, एक मिनट, स्वयं भगवान का अर्थ क्या, जो सर्वव्यापक है वो भगवान, एक मिनट, वो सर्वव्यापक भी है और एक जगह वैकुंठ में भी नहीं, 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 नहीं। वैकुंठ की चर्चा भी सर्वव्यापक है तो ऑलरेडी वहां भी है, यहाँ भी है। हाँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ तो फिर वो, अरे तो फिर आप मंदिर को क्यों मना कर रहे हो, अच्छा ईश्वर, मैं जब आपकी बात मान रहा हूँ कण कण में है, हम तो ये देख के चलते हैं कि अगर मैं आपके साथ बुरा कर रहा हूँ, बुरा बोलूंगा भी तो भगवान देख रहे हैं, ये मंदिर में से देख रहे हैं। छोटी सी बात, वो ईश्वर सनातन है, सनातन है, ईश्वर पूर्ण है, नहीं नहीं ईश्वर सनातन है, नहीं पूर्ण भी साथ में, दोनों चीजें ईश्वर सनातन है, हाँ सनातन, ठीक हो गया, बिल्कुल कृष्ण सनातन है, बिल्कुल, कैसे उन्होंने आपने अपनी व्याख्या में कहा था जो जन्म नहीं लेता, अरे जो जन्म मरता नहीं उनका, सुनिए, अरे वो तो चार भुजा रूप में आए थे, छोटे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, अरे नहीं प्रभु जी देव, मतलब वो छोटे नहीं, देवकी के सामने कौन से रूप में आए थे, इतने रूप में आए थे, हाँ बड़े रूप में, और क्या फिर छोटे हुए, जब तो आपने दूसरी पार्ट तो पढ़ी नहीं, ये तो भाई भाई, अरे एक ऐसी चर्चा आप कर रहे हैं जो अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान सब कुछ, आप लोग गलती क्या करते हो, गलती तो हो सकता है, मैं गलती हूँ, सुनिए राम का जन्म हुआ, कर रहा इनका मत है परंतु मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कि बेसिकली सारे सनातन धर्मी मानते हैं, पूरा हम भी सनातन धर्मी हैं, हम भी प्रभु जी सनातन धर्मी हैं, बेसिक फैक्ट ये है कि जो हम सनातन धर्म से बाहर नहीं है, जब वो जेल में पहला कैसे दिया था दर्शन, वसुदेव और देवकी जी को अगर आप ये मानते हो तो बेसिकली क्या वसुदेव उनके माता के गर्भ से पैदा हुए या नहीं, हाँ या ना, नहीं, नहीं हुए नहीं। तो उनको जबरदस्ती उसमें जेल में बंद कर दिया था कि गर्भवती है ये, अरे कैसे किया था उनको जेल में बंद, क्यों किया था, आप भगवान को अपनी नजर से क्यों देखते हो इतने से लेवल के अंदर, नहीं आप चक्कर गलती तो यही है, आज ये गांव वाले को बोल दिया जाए कि बेसिकली राम का जन्म हुआ था कि नहीं कौशल्या माता के गर्भ से, नहीं नहीं हाँ या ना, नहीं पहले पहले बताइए, हाँ परम ईश्वर, हाँ कुछ भी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता कुछ भी, ईश्वरीय कुछ ना ना ईश्वरीय नियम व्यवस्था में कर सकते हैं केवल, नहीं नहीं ईश्वर नियम व्यवस्था में नहीं है, जब भी तो ईश्वर है ईश्वर, अरे पहले राजा भी नहीं अपने अवस्था में होता था, राजा राजा था जी, आज तो हम राजा की बात कर रहे हैं पहले की, आकर के यहाँ की लाइटों को बंद नहीं कर सकते, आज मैं बड़ा स्पष्ट घोषणा करता हूँ ये ईश्वर का कार्य नहीं है, ये हमारा काम है, मुझे लाइट बंद करने के लिए वहां जाना पड़ेगा, आप ईश्वर अगर ओके नहीं करेगा तो आप लाइट भी बंद नहीं कर सकते, पर फिर यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकता ना, सुनिए सभी को एक जगह पे आना, ये तो वही बात, चैलेंज आज मैं चैलेंज कर दूं, अगर मोदी जी हैं
तो यहाँ सामने आके दिखा। ये तो वही बात हो सकता है क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं लेके चल सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं लेके चल सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। मेरे साथ चलो, भक्ति के रास्ते में मैं आपको दिखा। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, क्या उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण पढ़े थे कि नहीं? हाँ, कितने दिन में पढ़े थे? कितने दिन में पढ़े पढ़े थे कि नहीं? नहीं, पहले पहले उत्तर दीजिए। आज मैं एक प्रश्न, पहले ना ऐसे नहीं, बिना उत्तर दिया आगे चलेंगे तो कई चीजें आपको पहले उत्तर देना होगा। आचार्य जी, प्रभु जी, पहले आपको उत्तर देना पड़ेगा। पहले गुरु की आवश्यकता नहीं, नहीं, तो मैंने आपको बोला ना, कैसे गुरु को, जब वो ईश्वर है तो परम ज्ञानी है, ईश्वर का दिया हुआ, फिर उनको संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? हाँ, इसलिए गई कि हमें बताने के लिए कि मैं आदि गुरु होने के बावजूद भी शिष्य बन रहा हूं, तुम्हें भी शिष्य बनना जरूरी है, केवल इसको बताने के हाँ, लिए बहुत जरूरी चीज है प्रभु जी। इससे मतलब बिना जन्म लिए वो पैदा हो गए। हाँ। तो जब परमात्मा के अंदर सब शक्तियां थी, हाँ, तो उनको मनुष्य के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता क्या रही? वो तो बिना यूं हटाते सब कुछ करते। प्रभु जी, ये बताइए आप मुझे, उसका मतलब हमारी स्वतंत्रता भंग कर दी? आज आत्मा आप लोग बात करते हो, कण कण में है, सब जगह है, तो सब आप भगवान हो क्या? आप बताइए मुझे, कण कण में कहाँ है? नहीं, आप बताइए। अब मैं यहाँ हूँ तो और कहीं नहीं हूँ। हाँ, तो ये बताइए आप कौन है? मैं के स्टूडियो में बैठा हूँ, आप कौन? तो मैं अपने घर पर नहीं हो सकता। तो प्रभु जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो इस कमरे के बाहर भी नहीं हो सकता हूँ, मैं तो इस रूम में अंदर हूँ। वो कहीं भी हो सकता है। ये जो कुछ भी करने की जो फिलोसफी है, ये तो वही बात हो गई जैसे प्रभु जी ने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है। आदरणीय विनय जी ने कहा कि वो नियम है, सिद्धांत है। उसमें पहले मैं आप बीच में दो मिनट में अपनी बात कह दूं, फिर आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कि वो देश को चला सकते हैं, देश को उन्नति नहीं, पहले मेरी 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 बात, प्रधानमंत्री देश के लिए, देश के देश का भी नहीं, वो नियम के अंदर है। एक मिनट नहीं, एक उदाहरण, एक उदाहरण के अंदर है, एक उदाहरण नियम अनुसार चला रहे हैं, इच्छा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में, देश की सीमाओं में कुछ भी कर सकते हैं, उनका इतना सामर्थ्य है। तो अब हम कहने लगे कि वो सड़क पे घूम करके भीख भी मांग सकते हैं, ये कौन सी बात हो गई? तो परमपिता परमात्मा के भी अपने नियम है, वो अपने बनाए हुए नियमों को यदि तोड़े तो फिर वो आम जनमानस में क्या, जहां यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमने डिस्कशन जो कर रहे हैं उसमें ना, हमने अभी तक कॉमन क्या चीज नहीं आई। जैसे भगवद गीता है फॉर एग्जाम्पल, भगवद गीता के अंदर भगवान ने कहा मैं कर्मों के अधीन हुई नहीं, मैं कर्मों के अधीन हुई नहीं, तो जन्म कर्म जो में दिव्यम, कर्म का उपदेश कर रहे हैं वो तो। हाँ, किसके कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं जो अपने लिए नहीं, कर्म के अधीन नहीं है, हम कर्मों के कम से कम उसके अंदर ये नहीं कहा कि मैं कर्मों के अधीन नहीं हूँ, बिल्कुल कहा है ना, आपकी व्याख्या हो सकती है, आपकी व्याख्या नहीं है भाई, आपकी व्याख्या श्लोक है प्रभु जी, लेकिन कृष्ण तो सबसे बड़े कर्म के प्रतिपादक है। अरे वो किस कर्म के शिक्षा दे रहे हैं, कर्म कर तू क्षत्रिय है, अरे किस कर्म के लिए कह रहे हैं ये तो जानिए प्रभु जी, आवश्यकता है नहीं, उन्होंने कहा सब कुछ मेरे लिए कर, यत करोसि यदसनासि ददोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्त्या तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हमारी बातचीत से शायद कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब बताइए। जैसे प्रभु जी ने कहा कि भाई ईश्वर जो है वो अपने खुद के नियम, मतलब नियम नहीं तोड़ता, जैसे जन्म का आपने बताया, तो नरसिंह देव जी तो खंभा फाड़ के आ गए थे, उनका कहां जन्म हुआ? कहानी है, इनका ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल मानते नहीं है ना, चक्कर तो ये है, तो मानो ये सनातन धर्म बेसिकली जितने भी लोग छत में फाड़ कर नीचे आ जाए, भी कोई मुझे ये कहने लगे मक्खी जो है इस छत को तोड़ के यहाँ पर आ गई, तो मैं कैसे मानूंगा भाई, अवैज्ञानिक बातों को मैं क्यों मानूंगा? सबसे बड़ी बात है समस्या हमारे सनातन धर्म पे, नहीं 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 प्रभु जी बताऊं प्रॉब्लम क्या है, आप फिजिक्स को केमिस्ट्री के नियमों के साथ समझना चाहते हो, देखिए नहीं समझ सकते, केमिस्ट्री शाश्वत नियम है, सुनिए। हाँ, फिजिक्स तो और वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक आप वैज्ञानिक क्या बोल रहे हो, अवैज्ञानिक नहीं हो सकते, अरे वैज्ञानिक क्या हो, जो केमिस्ट्री आप मुझे परमात्मा दिखा दो कण कण में कहा है, आज ऐसी बात कर रहे हो, अरे प्रमाण है ना, दिखाऊंगा जब आप ये कहेंगे कि नहीं है, अरे आप ये कहिए कि नहीं है, अरे मैं दिखाऊंगा, नहीं मैं तो कह रहा हूँ है, नहीं तो फिर परंतु मैं चाहता हूँ आप मुझे दिखाओ, नहीं क्यों दिखाऊं मैं, अरे क्यों आप मान रहे हैं, मैं उसको दिखाऊंगा जो कहेगा नहीं है, नहीं नहीं हम तो मानते हैं, आप कैसे मानते हैं, दिख रहा है अभी, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आपने नरसिंह देव जी का देखा कि खंभा खाप के नहीं निकले, और आप कह रहे हो नहीं है, अरे आप निकले, नहीं नहीं आपने देखा निकले, और मैं आप बताइए कि निकले, अरे प्रभु जी आप बताइए ना कि निकले, हाँ मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन आपने देखा निकले, आप बताइए प्रभु जी, प्रमाण बड़ा गलत प्रमाण है, इनसे पूछ लीजिए प्रमाण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बताइए ये प्रमाण, ये प्रमाण अलाउड है वेद में, प्रमाण बताइए, आप मुझे सब कुछ देख सकते हो क्या, कि कौन कौन से प्रमाण मानने के योग्य हैं प्रभु जी, उनमें से बताइए कौन से सिर्फ एक ही प्रमाण मानने योग्य है, वो शब्द प्रमाण है, सुनिए तो शब्द कौन से शब्द का, शब्द मतलब वेद, ध्यान दीजिएगा, वेद पुराण और महाभारत और रामायण ये सब मिलाकर, ना ना बिल्कुल मतलब वेद, अरे उपनिषदों में है, मैं आपको भेज दूंगा, चलो सुन है,
वो शब्द वेद है जो कभी बदलने वाला नहीं। प्रभु जी वो पुराण भी है। पुराण भी है, कभी पुराणों पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि पुराणों की पुस्तक सामने होगी तब उसका आनंद आएगा। और पुस्तक कहाँ की है? मजे की बात बताऊं आपको, बोलते हुए मुझे अच्छा ही लग रहा। पद्म पुराण के अंदर एक पूरा चैप्टर गायब कर रखा है, क्योंकि आपके पास पुराण कहाँ से है आजकल? आजकल आपके पास एक पब्लिकेशन है, छाप रखे हैं सारे पुराण, उसमें से कई कई चैप्टर गायब हैं जो हमने जाके जब ढूंढे हैं। हम गए राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों के पास, जो पुराने जो बैठे हुए थे, अच्छे लोग थे, जो संतोषी थे। ब्राह्मण का पहला गुण होता है कि वो संतोषी होता है। तो बेसिकली उनके पास गए तो हमने वो चैप्टर पूरा पूरा हमने लाए निकाल कर, वो चैप्टर ही गायब था इस पब्लिकेशन के अंदर से। जो लाए तो वो ठीक था वो। हाँ जी, जो लाए थे वो ठीक। हाँ, था हाँ उस पर आपने मान लिया कि ठीक था, बस वो इसलिए ठीक था। सर एक काम करते हैं, प्रमाण तो हमारे आचार्यों ने कोट किया हुआ उसको। सर आप अपने आप एक अपने आचार्य को मानते हो, बाकियों को मानते हैं? आप कृष्ण को मानते हैं? हम नहीं मानते बिल्कुल भी। हमारे आचार्य स्वयं वेद को मान गए बस, कि वेद है तो है सब कुछ है, बस वेद में जो लिखा हुआ सुन है बस। हम बोलते हैं वेद है, वेदों को एक्सप्लेन कर रहे हैं पुराण। तो मुझे लगता है जो सवाल है क्या सही है क्या गलत, क्या ये कहानियां वाकई में हुई है कि नहीं हुई है, तो इस पे कभी आई थिंक विवाद भी। प्रभु जी अखबार आया क्या बोलोगे बताओ क्या है ये कुछ, ये कोई अरे ये ब्रिटिशर्स ने डाल दिया माइथोलॉजी। मैं मारू नहीं उनको पकड़ के, ये मिथ थोड़ी है। तेरे जो बाइबल में लिखे है वो सत्य है, और हमारी जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो पुराण जो हमारी हिस्ट्री बुक्स हैं वो गलत हैं। किसने कह दिया ये एकदम? उन्होंने हमारे घुसेड़ दिया दिमाग के अंदर। मुझे लगता है कि इसमें डिबेट चलती रहेगी हमेशा। हाँ। बिकॉज इसमें क्या जो हमें जो चाहिए प्रमाण, अकबर का प्रमाण जो है वो भी आप देख सकते हो, कई लोग बोलेंगे, लेकिन जो जितना पुराना हम जाएंगे उसमें क्या प्रॉपर प्रूफ्स की दिक्कत रहती है। इस कारण से कोई बोलेगा है, कोई बोलेगा कि नहीं है। तो हमें इसमें ना पढ़ के इसमें पढ़ना चाहिए, आम आदमी प्रैक्टिकल वैल्यू देखनी, फिलोसफी। अगर मुझे किसी कहानी को सुन के कुछ सीख मिल रही है, चाहे वो वेद में हो या पुराण में हो, ऑफकोर्स पुराण में ही है, तो जब हम जीवन जीते हैं हमें बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, हमें फेलियर्स होते हैं, तब हम याद करते हैं कि भाई वाई मी या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय अगर कोई कहानी आपको फेलियर्स उठाने में हेल्प कर रही है, चाहे वो श्री राम की हो, चाहे वो कृष्ण जी की हो, किसी की भी हो, तो उससे सीख लेनी चाहिए और उसको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अगर उसकी यूटिलिटी है उसको मानो और हमें मौज करनी चाहिए। ये थोड़ा बेटर मेरे को लगता है, बेटर सवाल ही ले लेते हैं। मैं एक सवाल ही पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे जो हिंदू धर्म में मानने वाले हैं कि बुद्ध जो है ये विष्णु का अवतार है, तो अगर ये बुद्ध विष्णु का अवतार है तो क्या ये मंदिर में क्यों नहीं बुद्ध की मूर्ति होती है? बुद्ध अगर विष्णु के अवतार है तो उनकी मूर्ति कभी भी आप देखोगे किसी के भी मंदिर में, किसी के घर पे है तो मूर्ति वहाँ पे नहीं होती, वो आप देखोगे बुद्ध की मूर्ति किसी पे पॉर्च, मतलब किसी के यहाँ पे सजावट के तौर पे, या फिर बिजनेस कोई अगर करता है, कोई बॉस है, तो उसके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वो मूर्ति होती है। मतलब अहिंसा का जो है प्रतीक उन्हें मानते हैं, या फिर शांति का जो है संदेश उन्होंने दिया है, तो इसमें क्या मतभेद अलग अलग है, इसे कैसे देखा जा सकता है? एक्चुअली महात्मा बुद्ध को अवतार मानना या किसी को भी अवतार मानना वो वैदिक फिलॉसफी के विपरीत है। अवतार मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जैसे किसी के गुणों जैसा, किसी के गुणों जैसा। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एंकर हुए हैं, अब उनके बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, उनकी एक फील थी लोगों को, एकदम से लोग चाहते थे कि आएँ तो इनको सुनना है। मान लीजिए वैसे ही गुण इनमें भी आ जाएं तो एकदम से इनको लगेगा, कोई कहेगा कि वो उनमें जैसा गुण थे वो इनमें जैसे आ गए। जैसे परमात्मा के बहुसंख्यक गुण जिस व्यक्तित्व में पैदा हो जाएं, परमात्मा दयालु हैं, परमात्मा न्यायकारी हैं, ऐसे अनेक गुण जिन व्यक्तित्व में पैदा हो जाएं उनको हम परमात्मा का अवतार कह देते हैं कि अवतार हैं, क्योंकि उन जैसे हैं, लगभग उन जैसे गुण इनमें हैं, उनके अंदर किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति क्लेश की भावना नहीं है, तो वो परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, वही दूसरे का रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया में पैदा हुए तो इसलिए वो मनुष्य हैं। जिनका दुनिया में जन्म हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, जैसा प्रभु जी ने आरंभ में सनातन की व्याख्या देते हुए कहा था, जो समय के आधार पर जिसका परिवर्तन आता हो, समय के आधार पर उनके जीवन का परिवर्तन आया, श्री कृष्ण के जीवन में आया, श्री राम के जीवन में आया, महात्मा बुद्ध के जीवन में आया, जितने भी महर्षि ऋषि महर्षि उनके जीवन में आया, शंकराचार्य के जीवन में आया, जहर देकर के मारा गया, अगर वो पूर्ण होते, अगर वो परमात्मा होते तो वो ना जहर खाते, उनको पहले से पता लग जाता इसमें जहर है, उनको पहले से पता लग जाता कि अब मुझे तीर लगने वाला है, उनको पहले से पता लग जाता कि ये स्थिति आने वाली, लेकिन वो क्योंकि मनुष्य थे, लेकिन उनके गुण जो थे जीवन के वो अधिसंख्य परमात्मा के गुणों से मेल खाते थे, इसलिए उनको हमने एक बहुत 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 महान महान व्यक्तित्व का दर्जा दिया कि वो परमात्मा के बाद उनका ही नंबर। लेकिन राम ने भी पैदा होने के पश्चात शिक्षा ली वेदों की, तब वो गुणे हुए। कृष्ण ने भी पैदा होने के बाद में शिक्षा ली, गुरु के पास बैठ करके 14-15 वर्ष तक वो पढ़े, जो आचार्य जी ने कहा बिल्कुल सटीक कहा, 14-15 वर्ष लगते हैं वेद की विद्या तक पहुंचने के लिए। सीखे थे
कोई बात नहीं, वो आपका आपका वर्जन है, आप कह सकते हैं। नहीं नहीं, आप बताऊं क्या करते हैं। मैंने अपना वर्जन दे दीजिए, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हो सकता है आपके जो आप मान्यता रखते हो 3 दिन में सीखे हो, लेकिन 3 दिन भी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं अगर उनको सब कुछ मालूम था फिर 3 दिन की आवश्यकता नहीं थी, वो तो 3 मिनट की भी आवश्यकता नहीं थी। या तो आप पुराण को यूज ही मत करो। मैंने पुराण का कहीं यूज नहीं किया, मैंने महाभारत का यूज किया। मैंने महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। राम जी का आपने बताया पढ़े हो, रमन पढ़े कहाँ है, वो क्या पढ़ा था उन्होंने, उनका पूरा पढ़ा है आपने? मतलब राम बिना पढ़े पढ़ गए? अरे गुरु के पास भेजा उन्होंने चारों भाइयों को पढ़ने के लिए आश्रम में। हुआ क्या वहाँ? पढ़े वहाँ, हुआ क्या? पढ़े, ज्ञान प्राप्त किया आपको? वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने साफ कहा धृतराष्ट्र जी को कि आप चले जाइए, रामायण के आधार पर बोलिएगा। हाँ, तो फिर अगली बार रामायण की पुस्तक लेके बैठेंगे तब आपकी बात को पूरा कर देता हूँ। इसलिए महात्मा बुद्ध भी योगी थे, अच्छे बहुत महापुरुष थे, उनके जीवन में अच्छाइयाँ थी, उन्होंने उस समय जो जरूरत, उस समय बहुत ज़्यादा अनाचार फैल चुका था, वेद के नाम पर विपरीत बातें फैल रही थी, उनको लगा कि ये गलत हैं, उन्होंने उनका विरोध किया, लिहाजा उस समय वो वेद को नहीं जान पाए, इसलिए उन्होंने अपना एक नया धर्म शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध के धर्म में भी जितनी भी बातें हैं, चाहे वो अहिंसा की हों, चाहे वो धर्म से संबंधित हों, सारे का सारा मूल कहीं ना कहीं वेद से ही लेकर के उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि वेद के अलावा ज्ञान का मूल स्रोत कहीं भी प्रचलित नहीं था। जितना मिला उतना सीखा, उतना कहा उतने पे आगे चल पड़े, इसलिए उनको भी वेद का ही एक अनुगामी कहा जा सकता है काफ़ी हद तक। हाँ, बाद के उनके अनुगामियों ने मांस खाना शुरू कर दिया, अरे अहिंसा के तुम सबसे बड़े गुण गाते थे, अहिंसा 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 अहिंसा, उन्हीं को उन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया। क्यों? मनुस्मृति वेद का मूल थी, मनुस्मृति में बड़ा स्पष्ट लिखा था कौन कौन मांस खाने का वो पापी है, खाने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, वो सब समान पापी हैं, लेकिन उनको लगा मैंने थोड़ी पकाया है। आज हम विदेश में जाते हैं, जब बौद्ध मतों में, जब बौद्ध जो थाईलैंड है आदि, खूब मांस बिकता है, तो बौद्ध मत के लोग कहते हैं हम नहीं काटते, मतलब जो कोई और काटता उसको पाप लगेगा, अरे खा तो तुम ही रहे हो, तुम खा रहे हो इसलिए वो काट रहा है। इसलिए मूल में स्पष्ट था कि पशु का मांस काटने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सब समान रूप से पापी हैं। तो वेद में हर चीज़ की पूर्ण व्याख्या कर दी गई, वेद अपूर्ण नहीं है, वेद पूर्ण है। देखिए प्रभु जी, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वित्त शब्द से आया है। वित्त का मतलब क्या होता है? वेद, सॉरी, वेद से शब्द से आया, वेद का मतलब जानना, वेद का मतलब है ज्ञान। ज्ञान को हम सीमित कैसे कर सकते हैं? दूसरा, आपने जो बहुत प्रभु जी ने बताया बिल्कुल, ये क्या है कि उनको वो किस लिए आए, अवतार की भी आप बात करते हैं, अवतार भी 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का अवतार होता है, इसको कहते हैं शक्तावेश अवतार। शक्तावेश का मतलब कि विष्णु जी ने उनको एक आत्मा को, जीव आत्मा को, नॉर्मल को पावर दे दिया कुछ करने के लिए, उसको कहते हैं शक्ति से आवेश कर दिया, तो उनको हम मानते हैं शक्ति के आवेश के अवतार हैं। ऐसी परशुराम जी, परशुराम जी को भगवान मानते हैं लोग, परंतु वो भगवान किस तरीके से हैं? पावर टोड़ने वाले, क्या जिनको कि पावर टोड़नी दी गई थी कुछ काम करने के लिए। जब ही आता है कि जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया तो बड़े नाराज़ होते हुए आए, तब रामचंद्र जी को जब उन्होंने देखा तो प्रणाम किया, उन्होंने कहा अब तेरे को शक्तियों की जरूरत नहीं है जिसके लिए तू कर रहा था, अब वो वापस दे दे, तब वो अपने चले गए तप करने के लिए। तो बेसिक फैक्ट ये, बुद्ध जी भी उस टाइम, क्योंकि आप जो कहते हैं ना पुराण के अंदर प्रभु जी उठाया ये प्रश्न शिव पुराण में शिव जी को, तो भगवान ने भी गीता में कहा है कि जैसी जिसकी भावना होगी उसको मैं क्या करूँगा, परपक करूँगा। अब शिव पुराण जो पढ़ा रहे हैं या जो देवी पुराण पढ़ा रहे हैं, देवी भागवत पढ़ाते हैं, इनका कार्य है कि जो लोग अब शिव जी के बोलते हैं हम उपासक हैं और भांग खाते हैं, कहते हैं शिव जी भांग खाते हैं, मैंने कहा शिव जी तो जहर भी पीते हैं, पीले पहले जहर पीले, धतूरा भी खाते हैं, धतूरा खाएगा मर जाएगा, फॉलोअर नहीं है ये शिव पुराण को समझे ही नहीं है, ये ना तो देवी पुराण को समझे। हम लोग ने ऊपर जो हमें अच्छी चीज लगी ना अपने मजे के लिए वो तो एक्सेप्ट कर ली, परंतु उसके अंदर के अंदर घुसे तो है ही नहीं। भांग कब कहा लिखा है भाई तूने? खाली भांग मुझे बता, धतूरा खाएगा कैसे खाएगा? शिव जी को नीलकंठ भी क्यों कहते हैं ना? तो बेसिक फैक्ट ये है कि ये, और प्रभु जी ठीक है, मैं कोई, क्योंकि वेदों के अंदर निराकार की भी चर्चा है। किसकी? निराकार की भी चर्चा है और साकार की भी चर्चा है, उपनिषदों के अंदर दोनों की चर्चा है, तो मैं इसलिए हम। और तीसरी चीज़ यह है कि कणकण में विराजमान है, वो भी चर्चा है, ये भी चर्चा है, तभी तो मैं डिनाई क्यों कर सकता हूँ इनको? अगर ये कहें कि कणकण में नहीं है तो एक्चुअली मैं फालतू में अपने आप का ईगो बूस्ट कर रहा हूँ,
नहीं, वेदों में चर्चा है कि कण कण में भी हैं और एक स्वरूप के अंदर उनका कोई स्वरूप ही नहीं है, निराकार है, क्योंकि कण कण में बोलते ही आकार आ जाता है कि कण अलग है और वो उसके अंदर हैं, दो हो गए, परंतु एक है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है ही इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर इज एनर्जी लाइट एग्जिस्टिंग एवरीवेयर बट देर आर फोटॉन्स। क्या है अंदर? फोटॉन्स हैं, वो भी हैं परंतु लाइट भी है। और फोटोन सिर्फ फोटोन थोड़ी है, एक फोटोन इतना बड़ा लाइट, मल्टीपल फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स में भी एनर्जी है जो लाइट के रूप में हमारे पास आ रही है। तो बेसिकली ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ब्रह्म श्रीमद् भागवतम के अंदर ये बात आई है कि उस वो अद्वैत तत्व को हम ब्रह्म के रियलाइजेशन भी लेते हैं, परमात्मा के भी लेते हैं और भगवान के भी लेते हैं। तो इसलिए ये आपको आ रहा है। तो बुद्ध जी क्योंकि शक्तावेश अवतार हैं, और दूसरी चीज़ वो वेद, जैसे प्रभु जी ने कहा वेद को नहीं बता रहे थे पूरी थी कम्प्लीटली, इसलिए उनकी पूजा एक सनातन धर्मी नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वेद को जरा सा दे दिया, सिर्फ अहिंसा वाला जो पॉइंट था उठा लिया। जो प्रभु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज उनके 2000 ग्रुप्स हैं बुद्धा के, और जिसमें कि 99% नॉनवेज खाते हैं। तो ये बिल्कुल बड़ा क्लियर है हमारे वेदों में, बिल्कुल साफ है कि अगर तुमने तमो रजोगुणी आहार किया तो तुम्हारे को कभी आध्यात्म समझ ही। चलिए इस जगह पे कम से कम आप दोनों एक मत हैं वेदों में, ये जो इन्होंने सवाल पूछा और वेद मूल है ये भी हम मानते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं आप दोनों से पर्सनली मिली थी, आप या मैं एक और चीज देखती जब आपसे मिली थी, आज इनके होने का मेन रीजन यही है यहाँ कि ज्योतिष के बारे में आप कहते हैं ज्योतिष है, आप ज्योतिष पे भविष्यवाणी। प्रभु जी ने बिल्कुल कहा, शुरू में ही कहा था वेदांग है। तो ये जो ज्योतिष जैसे आजकल प्रेडिक्शन लोग करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, ये सही है गलत है? किस बड़ा स्पष्ट है, गणना गूगल है, मेरे को अपने घर जाना है, मैं गूगल ऑन करूंगा, घर की लोकेशन डालूंगा और वो गणना करके मुझे बता देगा कि आप 1 घंटा 3 मिनट में अपने घर पर पहुंच जाएंगे। ये जो प्रेडिक्शन है ये ज्योतिष है, जो ये विज्ञान के माध्यम से बता रहा है, उसने अपने उसका तौर तरीका है बताने का, उसने सड़कों को नापा हुआ है, सड़कों को पहले से मैपिंग की हुई है, ट्रैफिक को वो वॉच करता अपने तरीके से और उसके माध्यम से मुझे बता देता कि अमुक गति से चलने पर लगभग आप इस समय अपने घर पर पहुँच जाएंगे। ये है ज्योतिष। हमारा ज्योतिष जो था 5000 साल बाद भारत में इस स्थान पर किस दिन किस समय सूर्य ग्रहण लगेगा, उसकी गणना करके बता देने का जो जो उसकी योग्यता थी उसका नाम ज्योतिष था। हम बता सकते थे कि अमुक तिथि पर सूर्य ग्रहण लगेगा क्योंकि मुझे सूर्य की गति मालूम है, चंद्र की गति मालूम है, पृथ्वी की गति मालूम है, इन तीनों की गति का अनुमान लगा करके और उनके अपने एक्सेस पर और उसकी धुरियाँ जो घूमते हैं उन सब की गति को जो हम कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन के आधार पर मैं बताने में सक्षम था। मैं मतलब मेरे जो वैज्ञानिक थे भारत के वही उसी का नाम ज्योतिष। सर तो क्या ऐसा आप इस चीज से मतलब आप मेरे से सहमत होंगे कि अगर किसी आप इसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोई इंसान किसी ज्योतिषी के पास गया उसने पूछा कि मेरा आने वाला समय कैसा है, तो क्या ये प्रेडिक्शन संभव है आपके हिसाब से? नहीं है, कतई भी संभव नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ये संभव है? संभव है। अब कैसे संभव है, आप लॉजिक्स के साथ दे दीजिए आंसर ताकि ये सवाल बहुत लोगों का था वो भी जान जाए। ज्योतिष का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि बीज बोने के समय जो पर्यावरण है वो फल का निर्धारण कर देता है, तो इसी कंसेप्ट को इंसान पे लगाया गया है जहाँ पे इंसान को बीज मान लिया और जब वो माँ की कोख से बाहर निकलता है तो उस समय उसको धरती पे बोया गया है। ये प्रिंसिपल है बेसिकली उसके पीछे, और उस समय जो पर्यावरण रहा होगा उसको अब हमें क्वांटिफाई करना है। अगर हमने उसे क्वांटिफाई कर लिया और कई बच्चों पर उसे अप्लाई कर लिया, कई लोगों पर अप्लाई कर लिया, फिर हम देखेंगे कि जो आर्टिस्ट थे वो किस पर्यावरण में पैदा हुए थे और उनका फल कैसा आया। तो उनका बेसिक कंसेप्ट वो ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का, जैसे जब हम बीज बोते हैं तो पोटेंशियल होता है कि उसमें से क्या फल आएगा। अगर गेहूं का बीज है वो अक्टूबर में बोएंगे तो ऑफकोर्स हमें पता है कि मार्च अप्रैल में फसल मिल जाएगी, परंतु कोई अगस्त में बोएगा तो नहीं आएगा फल। तो अगर किसी ने अगस्त में बो दिया और मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं बोल दूंगा उसको कि भाई आपको अक्टूबर में बोना चाहिए था, इसमें फल नहीं आएगा। अब अगर वो मुझे ऐसे बोले कि आप कौन होते हो बोलने वाले, आप भगवान हो गया, या मैं माँ आपकी सेवा करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, मैं इसको बहुत प्यार करूंगा, पर उससे फल नहीं आएगा, उसका एक नियम है। तो मान लें उसमें हम वहाँ इसको ये बोल सकते हैं अगर भगवान ने तो उसने बुद्धि भी दी उसके नियमों को समझने के लिए। उसी प्रकार से हम हमारा ये कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो पर्यावरण है
वो हमको डिफाइन करना है पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण को दो प्रकार में बांटा गया, एक तो हो गया कि भाई वो लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा हुआ, बिकॉज लड़का लड़की पे डिफरेंट नियम चलते हैं समाज में, वो किस धर्म में पैदा हुआ तो उसकी ग्रोथ चेंज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सोशल। कोई इंसान अगर दो बंदों की सेम कुंडली और एक अफगानिस्तान में पैदा हुआ एज अ वुमेन और एज अ बॉय यहाँ पे अच्छे परिवार में, तो बहुत डिफरेंट आ जाएगा उसकी ग्रोथ में। तो इस पर्यावरण को हम लोग कहते हैं देश काल पात्र। तो बिना देश काल पात्र के प्रेडिक्शन नहीं होती है, जो कि आज की तारीख में लोगों ने हटा दी है, तो इसको एक तो इंक्लूड करना चाहिए। तो ये बहुत सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट, किसी किताब में है मतलब कोई बुक है तो आप वो भी बता दीजिए ताकि लोग वहां से। हाँ नहीं, तो ये बेसिकली जो अजम्पशंस हैं। एक और मैं जो चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे हमारा बहुत एक वो रहता है एम्फेसिस कि बुक में है क्या, बुक में है क्या, ऐसे तो कई चीज़ें, ग्रेविटी की वैल्यू बुक में नहीं है, बट इंसान जो फंड, बट आजकल लोग बिना कोई सबूत लिए बातों को मानते नहीं है ना, बोलते कहाँ लिखा है ये बताओ। इसके लिए क्या है, जो ज्योतिष की जो बेसिक किताबें हैं, बहुत पुरानी जो किताबें हैं, जैसे आप कोई भी किताब पढ़ोगे बृहत पराशर वराशर सबसे पुरानी किताब है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिए हुए हैं बेसिक्स कि जब भी आप किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो पहले हमें उसका देशकाल पात्र देखना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट है, तो जब अब हमें प्रेडिक्शन में चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पे नया कंसेप्ट निकाला गया ऋषि मुनि द्वारा कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो हमें मेंटली अफेक्ट करता है। जैसे काल कोठरी में हमें डिप्रेशन आता है और गोवा में वी फील बेटर इन जनरल सबके लिए। तो उनका ये कहना है कि आपके जो विचार हैं वो सारे आपके खुद के नहीं हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट भी आपके अंदर विचार इंड्यूस करता है। जैसे दोपहर में आपको चीज़ों को करने में मज़े नहीं आते, लेकिन रात को वही चीज़ें करने में हमें मज़े आते हैं कई बार। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये हमारे, अगर इसको मैंने समझ लिया तो इस बच्चे का जब पैदा हुआ तो उसका मेंटल एनवायरनमेंट कैसा होगा मैं उसको समझ लूँगा। और फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है, उन्होंने कहा कि दिन रात मौसम जो हमारे व्यवहार को अफेक्ट करते हैं, इसका मूल स्रोत क्या है, तो वो बोले कि चंद्रमा सूर्य जो ग्रह हैं इनको फिर ग्रह बोला गया। ग्रह और प्लैनेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं, अगेन प्लैनेट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन ऑफ ग्रह, वो प्लैनेट साइंस में कुछ और होता है, लेकिन ग्रह का मतलब है जिसका प्रभाव हम पे पड़ता है तो वो ग्रह है। तो हमने देखा कि हमारे आसपास चंद्रमा और सूर्य जो दो मेन है, इनके कारण पूरा पर्यावरण बनता है, प्लस जो और इन्होंने पांच ग्रह देखे उनको बदलते हुए देखा, तो देखा कि उनके भी से भी प्रभाव आ रहा है, ऑब्जर्व कर लिया, सिंपल एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जो हम डेटा या जिसको हम बोले कोरिलेशन एनालिसिस जो हम डेटा एनालिटिक्स में करते हैं कि सूर्य जब यहाँ था तो ये बच्चा पैदा हुआ तो उसमें ये गुण थे, सूर्य जब यहाँ था तो जो बच्चा पैदा हुआ उसमें ये गुण थे, ऐसे करके प्रॉपर एक डेटा एनालिटिक्स के बेस पर उन्होंने बनाया और फिर चेक कर लिया। मतलब कह सकते हैं पढ़ाई है, साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। हाँ, इसमें जरूरी नहीं आपको कोई दो पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, एक गणित है एक फलित है। गणित जो है वो आपका सारा का सारा ये है कि प्लेस्ड कहाँ है ग्रह, ठीक है जी, आप किस समय पैदा हुए, क्या प्लेसमेंट थी, वो जानना कि किस समय पैदा हुआ, इसीलिए देखते हैं जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वही पर्यावरण को बनाती है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के रेफरेंस पे ग्रहों की स्थिति क्या थी। इसमें एक ही प्रश्न आता है छोटा जी सर, जब ट्रिपलेट्स होते हैं या ट्विंस होते हैं उन दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं, दोनों बिल्कुल एक समय पे पैदा हुए, एक ही माता पिता से पैदा हुए, तो उनके जो गुण अलग अलग होते हैं तो वो तो आपके जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आप बता रहे हैं, लेकिन आपने जो अच्छी बात बताई मैं उसका धन्यवाद करूंगा आपका, फसल होने का आपने आधार बता दिया कि इस आधार पर तय होता है, बिना आधार के जो चीज़ है वो ज्योतिष नहीं है, जिसकी कोई गणना है, जिसका कोई बेस है, जिसकी कोई साइंस है, वो ज्योतिष है। तो जब आपने अभी जो बात बोली, ट्रिपलेट्स हो गए, तीन तीन बच्चे इकट्ठे हो गए, अब उनके जो क्या तीनों के गुण, तीनों के स्वभाव, तीनों के कर्म, तीनों की सब कुछ बराबर होगी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो इसमें जब हम साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें जैसे थिंक कॉल्ड एक्सेप्शंस, तो जो ये सवाल है तो उसमें जुड़वा को ऐसे साइंस के हिसाब से दो तरीके से जुड़वा होते हैं कि एक तो एक ही एक्सपर्ट होता है दो में और एक डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइज होते हैं, तो इसलिए जुड़वा अलग तरह के होते हैं। कुछ जुड़वा होते हैं जिनका सिमिलर लाइफ पैटर्न चलता है, हम देखते हैं जैसे मान लो कोई दो भाई हैं वो दोनों ही एक समय बीमार हो गए या एक समय, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो फेसबुक के जो ओरिजिनल ओनर्स थे जिसने मार्क जुकरबर्ग ने जिनसे लिया, दोनों जोश जो थे भाई, तो उनकी भी शादियां जुड़वा से हुई, सेम टाइम पे दोनों को आइडिया सेम टाइम पे अमीर हुए। तो एक तो इस तरीके के होते हैं जिनके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, और एक जुड़वा जो एकदम डिफरेंट होते हैं। तो इनके लिए जो कुंडली हम देखते हैं उसका तरीका डिफरेंट है। तो पहले होता है ये जो चीज़ें एक्सेप्शन में आती है, तो हम एक्सेप्शन इनफैक्ट रूल को बनाता है, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ जुड़वा को पकड़ के हम बाकी को डिस्कार्ड कर दें। इनके लिए प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग है, हमारे पास केसेस आते हैं तो हम जुड़वा की अलग तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं, पूछते हैं उनसे कि व्यवहार कितना अलग है, अगर अलग है, कोई मोटा है कोई पतला है, इनका बिल्कुल डिफरेंट है,
उनका कुंडली देखने का तरीका भी उसमें डिफरेंट है। एक तो ये इसका आंसर हुआ। दूसरा अगेन जैसे पर्यावरण, तो पर्यावरण किससे बन रहा है? प्लैनेटरी पोजिशन से। तो कोई भी दो व्यक्ति जब पैदा हो रहे हैं उसमें एक सेकंड का भी अंतर आ गया ना, तो भी प्लैनेटरी पोजिशन बदल गई है। तो उसके लिए हमारे ज्योतिष में कंसेप्ट होता है डिविजनल चार्ट। तो एक तो हम मोटा मोटा देखते हैं, जैसे कुछ कोई दिल्ली का है तो मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा दिल्ली का है तो ऐसा ऐसा है, और महीन जाऊंगा तो दिल्ली का साउथ दिल्ली का है, साउथ दिल्ली में कहाँ का है तो मैं और महीन, ऐसे में बहुत महीन जा सकता हूँ। जनरली हम लोग कुंडली में इतना महीन जाते नहीं है, लेकिन अगर और रिसर्च की जाए तो हम और बहुत ज़्यादा महीन जा सकते हैं। ज्योतिष में ऑलरेडी ये कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं डिविजनल चार्ट, सर जानते होंगे उसको। तो हम एक जो समय है उसको बहुत छोटे में बांध काट देते हैं, तो जुड़वा बच्चों के अंदर भी सेकंड्स के अंतर में भी कोई सेम सेकंड में तो नहीं हो रहा, सेम तो नहीं होता, तो वो जो डिफरेंस है उससे आप निकाल सकते हो एक तरीका, तो वो है। और दूसरा कि उनकी प्रेडिक्शन करने का तरीका ही अलग है। तो अगेन मैं जो बहुत इसमें जो दिक्कत है ज्योतिष में वो है रिसर्च की, क्योंकि जो बहुत समाज के जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबसे पहले ही बात कर रहा था, वो इस फील्ड में नहीं आता है। जनरली कोई ट्वेल्थ का टॉपर होगा तो वो क्या बोलेगा, कि कभी नहीं बोलेगा कि आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, वो IIT आई एम लॉयर डॉक्टर। तो जब तक किसी भी विद्या में क्रीम ऑफ द समाज नहीं आएगी, मुझे लगता है कि उसमें उन्नति नहीं होगी और उसमें रिसर्च ही कमी रहेगी। तो आई थिंक अब जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो मैं तो अपनी तरफ से वह प्रयास कर रहा हूँ रिसर्च करने का, और को भी काफ़ी इंस्पायर कर रहा हूँ अपने पेज के थ्रू, तो रिसर्च होगी और तो सर इसमें और अच्छी प्रेडिक्शन आएंगे। एक तो हॉरोस्कोप क्या है? आपका पिछले जन्म के कर्मों का एक्सरे। आप अगर जानते होंगे, आप पढ़ते हैं, तो KN राव जी को जानते होंगे, ठीक है? KN राव जी के पास गए एक बार, मुझे पकड़ के ले गए एक, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर शादी नहीं करी। ही वॉज एन IAS, ऑडिटर जनरल रहे उड़ीसा के भी। हिज फादर वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ नेशनल हेरल्ड, इंडिपेंडेंस से पहले शुरू किया था नेहरू जी ने। तो जब उनके पास गए तो बोलते हैं, यार ये पिछले जन्म का हॉरोस्कोप है, तुम लोग तप कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, इतने उच्चारण करते हो मंत्रों का, ये तो तुम्हारा चेंज हो गया। क्या हो गया? ये चेंज हो गया है, इसमें प्लैनेट्स, पर दी प्लैनेट्स आर टेलिंग यू नाउ। प्रॉब्लम मैंने आपको भी लगाया था लास्ट टाइम, एस्ट्रोलॉजी इज परफेक्ट, एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट देयर। प्रॉब्लम ये आई जो ये कह रहे हैं, क्योंकि 94% वेद लुप्त हैं, उसमें ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी, जो फलित का पार्ट है, ये काफ़ी लुप्त है। बारह मीरा जी का नाम तो सबने सुना है, मतलब ही प्रिडिक्टेड द डेथ ऑफ द किंग, कि इस समय पे होगी और इस जगह होगी और ऐसे होगी, तभी उनका नाम, अभी समय नहीं है आपके पास बताने के लिए, परंतु उनका तो हिस्ट्री है ये। हाँ, राजा का बेटा बारह से मरा था। हाँ, तो ये तो बेसिक फैक्ट ये है कि इट इज़ अ साइंस, बट द बेसिक फैक्ट इज दिस इज नॉट डेवलप्ड। अब वो जो डेवलप नहीं है उससे तो डर लगता है ना, तो इसीलिए ये रिसर्च करें। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदास, बट इट इज द वेरी ग्रॉसली मटेरियल वेदास। एक दो बिंदु मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। नक्षत्र ने बोला कि नक्षत्र ने कहा कि रिसर्च नहीं हो रही है, तो अभी नौजवान एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन अभी भारत के जो उत्कृष्ट दर्जे के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, अभी कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड कप हुआ तो इन्हीं न्यूज़ रूमों में बैठ करके भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषों ने बैठ करके क्या कहा, एक स्वर में कहा कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। उन सब की प्रिडिक्शन फेल हो गई और भारत वर्ल्ड कप हार गया। दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई, दूसरी भास्कराचार्य 2 की जो पुत्री थी लीलावती, भास्कराचार्य 2 दुनिया के उस काल के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष विदों में शामिल थे। भास्कराचार्य की बेटी जब 10 साल की हो गई, क्योंकि उस समय कुप्रथा थी बाल विवाह की, 10 साल की जैसे ही लीलावती बेटी हुई तो उसके विवाह का पूरा बंदोबस्त इंतजाम किया गया, लड़का ढूंढा गया। जब लड़का ढूंढा गया तो भास्कराचार्य ने एक लंबा काल लेकर के, एक सफिशियंट टाइम लेकर के उसकी पूरी कालगणना तैयार करके उसके शादी का सही मुहूर्त खोजने का प्रयास किया और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ एक मुहूर्त खोजा और दुनिया के उस काल के सबसे बड़े बड़े ज्योतिषों को भेजा। सारे ज्योतिषों ने कहा कि वाह भास्कराचार्य जी, आपने क्या मुहूर्त खोज करके निकाला। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भास्कराचार्य ने जो मुहूर्त निकाला था, जिसको सबने सर्वोत्कृष्ट कहा था, स्वयं भास्कराचार्य ने उस पर मेहनत की थी, वो मुहूर्त के अनुसार जब शादी हुई तो शादी के मंडप में लीलावती के पति जो थे उनको अकस्मात हार्ट अटैक आया, वो मर गए और लीलावती विधवा हो गई। उसके बाद कई दिनों तक भास्कराचार्य ने इस सदमे से उभरने से पूर्व अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया
और शोध किया, इतना लंबा शोध किया कि शोध करने के बाद ना वो किसी से मिलते थे ना जुलते थे, बस एक कमरे में बंद करके स्वयं को अध्ययन करते थे। और निकलने के बाद उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जितना दुनिया का फलित ज्योतिष है सब झूठा है और जितना गणित ज्योतिष है सब सच्चा है, मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा वर्जन भी आप स्पष्ट से ले लीजिए क्योंकि हम समापन की तरफ चल रहे हैं। जिसकी गणना की जा सकती है, जो वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध हो सकता है, वो सबके लिए बराबर होगा। फिर वो ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए कुछ, मेरा इस, मेरा नाम क से शुरू हुआ है, मेरा नाम व से शुरू हुआ है, उनके लिए अलग अलग ज्योतिष हो जाए, संभव ही नहीं है। राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण कंस की राशि एक थी, एक मार रहा है एक मर रहा है। तो ये गणित ज्योतिष, ये इसकी गणना यानी कि कैलकुलेशन यानी कि सिस्टम यानी कि साइंस अप्लाई हो रही है और उसके आधार पर रिजल्ट आ रहा है, वो है ज्योतिष, वो है गणना, वो जायज है, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए और जितनी ज़्यादा शोध हो सके करने चाहिए। और फलित का मतलब मैं बता सकूं आपका ये होगा, आपका ये होगा, आपका ये होगा, टोटली रॉन्ग। कमाने के लिए, दुकान चलाने के लिए और अपनी मन की संतुष्टि करने के लिए करने वाला कर रहा है, उसको अपने मन का जवाब मिल जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। और एक इसमें जो चीज़ काम कर रही है, मार्केट का एक छोटा सा नियम है और वो है ऑप्शन, मतलब जी संभावना का सिद्धांत। संभावना है लड़का होगा, मैंने 50 लोगों को बोल दिया लड़का होगा लड़का होगा लड़का, 25 के हो गया, वो सारे खुश हैं, बाबा जी ने मुझे लड़का होने के लिए बोला था। वो जो बेचारे 25 हैं जिनको बोला था, वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, पता नहीं क्या गलती रह गई, चूक रह गई। तो ये जो है इसके ऊपर और ज़्यादा जागरूकता लानी जानी चाहिए। बहुत बड़ी दुकान इसके संबंध में चल रही है, मुझे नहीं पता कि भाई आपके यहाँ के कितने को करते हैं, वो जाने और मानने वाले जाने, कहने वाले जाने। इसलिए मेरा कहना स्पष्ट है, गणित ज्योति ठीक है, फलित ज्योतिष ज्योतिष है ही नहीं, केवल गणित ज्योतिष ही ज्योतिष है। बस मेरा कहना इतना है यहाँ पे, मैं अपनी इस बात में कम से कम अपना वर्जन खत्म करता हूँ। आप बता दीजिए जल्दी से इसको आपके हिसाब से क्या है। मेरा तो इतना कहना है कि किसी भी चीज पर जो हम कमेंट करते हैं तो आई थिंक पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको फिर अप्लाई करना चाहिए और फिर अगर उसमें हमें सही नहीं मिला फिर हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए, ना कि औरों के प्रैक्टिस के बेस पर। जैसे इन्होंने जो कहानी बताई, तो मेडिकल साइंस भी आप पढ़ते हो या फिजिक्स भी आप पढ़ते हो, तो अगर न्यूटन नहीं निकाल पाया कोई नियम, उसको नहीं समझ में आया ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है, तो आइंस्टाइन ने निकाल दिया। उसी को अगर भास्कराचार्य जी ने, उससे तो ना गलती कर दी मुहूर्त में, भाई ऐसे होना कोई गलती नहीं कर सकता इंसान। और बहुत मेडिकल साइंस में होता है कई लोग एरर करते हैं फिर उसको इम्प्रूव करते हैं और फिर दोबारा रिसर्च करते हैं, तो वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी है। अगर आपने कोई गलती करी, प्रेडिक्शन करी, उस पर दोबारा रिसर्च की जाए और फिर दोबारा ठीक किया जाए, ये बोल देना कि किसी ने गलती कर दी तो पूरी साइंस ही बेकार है ऐसा। तो क्या सारे हार्ट स्पेशलिस्ट के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, उसमें क्या हो गया, तो बेसिक फैक्ट ये है कि हमने इस पर स्टडी नहीं किया, हमने सिर्फ सुना। और हमने इस पर, मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसकी डेथ हो गई, अब उसको के एन राव जी भी कहते थे गारंटेड एस्ट्रोलॉजर, उसकी 90% प्रेडिक्शन सही आती थी और सिर्फ 2 हॉरोस्कोप दिन में देखता था। उसको शौक ही नहीं था, बोलता मेरे को शौक है, मैं अपना शौक के कारण करता हूँ। और तो आप कितने ही पैसे दे दो उसको, वो पैसे लेता ही नहीं था, बोलता मेरे को 2 हॉरोस्कोप देखूंगा दिन में। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो आपको कोई भी ऐसी एडवाइजिंग वाली साइंस हो जिसमें आप पैसा कमाते के चक्कर में हो ना, तो मर जाओगे, एडवाइज नहीं कर पाओगे। एस्ट्रोलॉजी का तो आप लोग डेटा एनालिसिस है तो ठीक है, एग्री हूँ। अगर डेटा एनालिसिस नहीं, लेकिन नो डेटा एनालिसिस को सिद्ध करना पड़ेगा आने वाले समय में आपको, इस तरह चलेंगे ना। डेटा एनालिसिस मैंने पहले क्या दिया, लेकिन वो फलित ज्योतिष के आधार पर किसी व्यक्ति को, दुनिया का व्यक्ति किसी का नाम भी बताने में सक्षम हो जाए उसको स्वीकार कर लेंगे उस दिन। जो आपके लिए कमेंट है, जो आप खुद थोड़ा रिसर्च कर लोगे, प्रमाण देख लोगे, उसके बाद से हम दोबारा बात कर सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं डेटा एनालिसिस सही है। तो सारे आ गए, अब जाते जाते क्योंकि हमारी ये चर्चा थोड़ी लंबी हो गई है, सारे गेस्ट को जाना भी है, तो जाते जाते बस मैं आप सभी से जल्दी जल्दी जानना चाहूंगी, सवाल जिससे शुरू किया था उसी पे खत्म करूंगी, किसको मान ले, वेद माने, पुराण माने, उपनिषद माने, गीता माने, किसको माने, किसको पढ़े, ये जो भोली भाली जनता सामने बैठी है इनके सवाल का यही। ये भोली भाली नहीं है, बड़े तीव्र है, बड़े सटीक प्रश्न किए हैं सभी ने, कोई भोली भाली जनता नहीं है। और भोले भाले लग रहे हैं आपने बैठा के रखा इतने देर से। वेद मेरा अपना कहना है, केवल वेद। जहाँ भी कन्फ्यूजन पैदा हो, जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में 50,000 शब्द हैं, यूज़ कितने आते हैं, जब आपको दिक्कत पड़ती है यार सही शब्द सही उत्तर बताओ, अच्छा उठा के ला डिक्शनरी देख उसमें क्या लिखा है, बस। वेद इज़ अ रेफरेंस, पूरा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपके दो लोगों के व्यूज़ कन्फ्यूज हो जाएँ, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तब उस समय वेद के आधार पर जो निर्णय हो वो फाइनल होना चाहिए। ये मेरा वर्जन है, मतलब ये आपने जो हमें आमंत्रित किया ये मेरा वर्जन है, वेद अंतिम फाइनल वर्जन मेरा वर्जन नहीं है। ये हमारे जितने भी वैष्णव जन हैं जो कि
राम और कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। ये उनका वर्जन है कि वेद बिल्कुल मूल हैं, पुराण भी हैं, महाभारत है, रामायण है, इनको इतिहास कहते हैं, और भगवद गीता सारे वेदों का सारे, ये हमारे सारे आचार्यों ने कहा है, तो हम तो ये मानते हैं। तो आपको भगवद गीता में चले जाइए, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, कोई भी प्रश्न हो, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको, जो जीवन से लगे हुए प्रश्न हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। गौतम जी, मैं तो यही मानता हूँ कि जो परमात्मा का अपौरुषीय ज्ञान है वेद, वो पहले तो मूल है, और उसके बाद जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, आर्ष मतलब जो ऋषि प्रदत्त हैं, वो उसके बाद मूल हैं। फिर विद्वानों में अगर कहीं तकरार होती है, कहीं फंस जाता है पेच, तो फिर हम वेद को मानते हैं और ऋषियों की बातों को खोजते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मूल है वेद, उसके बाद ही सब कुछ आता है। मेरा भी यही मानना है कि वेद जो है वो ऑफकोर्स सोर्स ऑफ नॉलेज में हम उसको बोल सकते हैं। उसके अलावा जब आप जीवन जीते हैं तो जीवन जीने के बहुत तरीके हैं, वो डिपेंड करता है आपकी ज्योग्राफी पे, आप कहाँ रहते हैं, देश के ठंडे में रहते हैं गर्म में। तो जिस अगर आप परेशान हैं और आपको जीवन जीने का तरीका ढूंढना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप वेदों के जाएं, आप पुराण पे जाएं, गीता, रामायण, महाभारत, जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और जिसको पढ़ने के बाद आपके जीवन में पीस आ जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या जो बोलते हैं वो उसमें आप कमी महसूस करो, तो उस फिलॉसफी को मानो और मौज करो। तो नक्षत्र ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिससे आपको शांति मिलती है वो काम आपको जरूर करना चाहिए। तो जाते जाते मैं सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, हमारे से बातें की। बहुत सारे सवाल आपके रह गए होंगे, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए अपने सवाल। इन सभी गेस्ट को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, एक बार फिर से लेकर आऊंगी। जो ये वेद और पुराण की इतनी लंबी डिस्कशन हुई है, ये वापस होगी, आपके सवालों के साथ होगी, और बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को नमस्ते।